लखनऊ से ही आए हैं। कितना टाइम हो गया आपके इलाज को? लगभग 1 साल हो गया है। जून 2018 से शुरू हुआ है और 7 मार्च को भी खत्म हुआ है 2019। सावित्री मिश्रा लखनऊ से ही आए हैं। आपके इलाज को कितना टाइम हो गया? 15 में शुरू हुआ था, 16 में खत्म हुआ। 16 में जी, ठीक है, 3 साल हो गए जी। ठीक है। राकेश कुमार द्विवेदी जानकारी में स्टार्ट हुआ। और आपके घर में और भी भाई बहन किसी को साला बहन है तो भाई और बहन दोनों आए हैं? 19 अगस्त की खत्म हो गया। प्रतीक्षा पांडे हुआ था, 2 साल पूरा हो गया। 15 मार्च 2017 को पता चला था और 19 अगस्त 2018 को एंड हो गया था। अच्छा, आपका भी अगस्त है जी। आप कहाँ से आए हैं? यही राजा जी पुराने से, लखनऊ से। बीना मिश्रा अयोध्या फैजाबाद से। मैम 2016 में मेरा जून में पता चला था मुझे और 17 में खत्म हो गया फरवरी में। कीमो रेडियो ऑपरेशन सब कुछ अब हम एकदम ठीक है। 2 साल होगा? 2-3 हो गए। 3 साल। मुन्नी सिंह हाँ बताइए। मैं लखनऊ से हूँ, 2 साल हो गया। ठीक है, आप रेडियो? हाँ ठीक। 24 अप्रैल ठीक है। आपका दोनों तरफ का हुआ था ना? हाँ हाँ। फरीदा खान 16 तीसरा साल हुआ, बिल्कुल ठीक है, दवा बोलना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? इंदिरा नगर। किरण सक्सेना मैं लखनऊ से हूँ। 2015 में मुझे पता चला जुलाई में और 15 में ही अगस्त में मेरा ऑपरेशन हुआ और 2016 में मुझे दिमाग को मिलने के बाद 16 में। ठीक है, 3 साल में। शशि पाल मैं भी 2016 में जी मतलब पता चला मेरे को जुलाई में और 4 अक्टूबर को ऑपरेशन हो चुका है। तो आप कहाँ से हैं? मैं जी लखनऊ राजा जी पुरा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुर मैं लखनऊ से हूँ। मेरा 11 साल हो गया ऑपरेशन में, मुझे कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। अनीता 16 में हुआ था, पता चला था 2 मार्च को हो गया। ठीक है, 2 साल हो गए। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? 3 साल हो गया। ठीक है, बढ़िया। तो अच्छी बात है, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ नए पेशेंट्स हैं, कुछ पुराने पेशेंट्स हैं, कुछ बाहर से आए हैं, कुछ यहाँ भी हैं, सब मिक्सड हैं, कुछ फैमिलियल हैं, घर में था, कुछ ऐसे हैं जिनका दोनों तरफ था। तो हर तरह से आपको रिमेडीज मिलते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, मेल्स में भी होता है, तो वो भी है लेकिन मेल्स में कम होता है। आप यहाँ ही देख रहे हैं 14 लेडीज हैं तो उनमें 1 मेल है, वैसे ही है, कम होता है लेकिन होता है। तो हम चाहते हैं कि इनका जो प्रोग्राम की कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो दवाओं से, कीमो से, ऑपरेशन से, सिकाई ये सब में बहुत दवाई जर्नी हो जाता है, कई साल मतलब 1 साल या ऑलमोस्ट कई महीने तो लग जाते हैं इलाज कम्प्लीट होते होते। तो उस दौरान प्लस उसके बाद भी सब एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे सब लोगों ने सुलझाया है, उनका भी हम सुने एक्सपीरियंस।
और एक दूसरे से प्रेरणा लें। तो ये जो ग्रुप आज लॉन्च होगा, बनेगा, पहले तो हम लोग आपसे राय लेंगे कि आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और अगर चाहते हैं और ये ग्रुप हमारा आगे बढ़ता है, आज 14 पेशेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है एक साल के बाद हमारे 100 के ऊपर मरीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और कोई गोंडा से आया है, कोई लखनऊ का है, कोई दिल्ली से आया है, कोई फैजाबाद से है, तो लोकली आपके यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं आपके सिटी में, आप लोग उन सब से भी आपस में मिल सकते हैं, तो उस ग्रुप का ये भी फ़ायदा है। तो आप लोग महीने में एक बार आपस में मिले, शेयर किया क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, प्लस 3 महीने में एक बार हम लोग यहाँ बुला के आपसे डिस्कस करते रहेंगे कि ग्रुप कैसा चल रहा है, और जैसे जैसे भविष्य में ज़रूरतें आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्रुप को और प्रोफेशनल बनाते जाएंगे। अभी कोई फंडिंग नहीं है, कोई हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ हमने फ्री रखा है सब चीज़, तो विद टाइम देखेंगे क्या क्या सबके इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है। ऐसे था, कंप्लीट मैम वीडियो भी हो गया और केमो भी हो गया, अभी
लोग के लिए आते हैं, पहले छः छः महीने पे, तीन तीन महीने पे मैम, अभी छः छः महीने पे डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा एक एक साल पे रखो। आपने और लोगों को बताया स्कूल में कि हाँ ध्यान रखना चाहिए ब्रेस्ट का? हाँ मैम, गार्ड हो तो फिर डॉक्टर के पास में जाए। मैंने तुरंत ही सबको अवेयर भी कर दिया, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं हल्का सा, तो हम तो कहते हैं कि सब लोग अब तो बिल्कुल खुद भी चेक करते रहो अपना। मैम आपने ही बताया था लेटकर और नहाने के दौरान जैसे भी चेक करना है चेक करते रहो, तो हम सबको बताया ये चीज़ कि एक मंथ पे, एक एक महीने पे, दो दो महीने पे अपना चेक करते रहो, और अगर लगता भी है किसी को अगर एज क्रॉस हो गई 35-40 एवर हो गए तो आप एक बार जाँच भी करवा सकते हैं अपनी, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग ध्यान दीजिए। तो मैम सब अच्छा था, और हमारी जो है अनीता दीदी मैम है, ये तो ये नहीं मैम बस मिल गए थे तो हमने आंटी कहते हमको बेटी मानने लगी यहीं पर जो है ओल्ड ओपीडी में, बहुत हिम्मत हमको बताई, हमारा जो कीमो चला हमको मिल गई उस दौरान, तो बहुत हमको हिम्मत बताई कि घबराना नहीं, जीने की चमक करना। अच्छा हिम्मत नहीं, हाँ हिम्मत नहीं होती, बहुत साथ बताया हमको अक्सर फोन करके। आप लोग साथ में थे जब इलाज? नहीं साथ में नहीं, नहीं मैम हम साथ में नहीं थे, हम आके मिले थे। हाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था तभी आई थी, तो शायद ऑपरेशन ही करा के आई थी, इनको कीमो लेना था, फर्स्ट कीमो, तो उसके पहले जो बातें पता चलती कि ऐसे होगा वैसे होगा जो भी होगा, तो ये बहुत डरी हुई थी। हाँ हमने इनको पूरा सपोर्ट किया, इनको पूरे पॉजिटिव सोच के साथ इनकी मैंने हेल्प की कि आप बिल्कुल मत सोचिए, घबराइए नहीं, आप पूरा लीजिए, बस ऐसे ऐसे होगा आपके साथ, कीमो चढ़ने के बाद आपके साथ यही होगा, लेकिन वहाँ अपना हिम्मत मत ज्यादा से मेरा मन घबराता था तो मुझे बात करते आपने सपोर्ट को अपने आप ही एक बना लिया था। हाँ बहुत हिम्मत, इन्होंने मुझको बहुत हिम्मत दी, हमारी बात भी होती रहती इनसे, कहती तू मेरी बेटी हो दूसरी, तो हम कह हाँ हमें भी अच्छा लगता है बात करना। और मैम अपने स्कूल में जहाँ भी जहाँ मैम अपनी एक पर्सनल बात भी बता रहे हैं कि जब हमारा कीमो हुआ, जब हमारे बाल वगैरह सब गिर गए, निकल गए, चढ़ गए, तो हम अपना स्कूल भी कर रहे थे और हमने कभी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, हमने स्टाफ बांध के हर फंक्शन अटेंड किया अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, पार्टी में, शादी में, हर जगह गए। तो आपको खराब लगा था तब, या कोई कहता था आपके बाल गिर गए, या आपको लगता था कि नहीं मैं बात को छुपाऊँ, या आपने उसको हिम्मत से? मैम अगर किसी ने हमसे पॉजिटिव उससे पूछा हमें लगता है कि हाँ ये है तो मैंने बताया, अन्यथा अगर किसी ने नहीं पूछा छुपाया भी नहीं, घबराए भी नहीं, छिपाया भी नहीं, बिंदास ऐसे ही गए। तो ये हमने हम कभी भी घर में बैठ के नहीं रहे, बल्कि हमारे सामने एक दो ये आया भी कि आपको घर में रहना चाहिए, आप इतनी बड़ी बीमारी आपको है आप घर में रहिए, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं ना किया कि हम बाहर ना निकले या हम बात ना करें किसी से, वो अपनी सेफ्टी के साथ वो मास्क वगैरह लगा के जैसे भी जाना। मैम आपसे मिले थे कि मैम हमें स्कूल करना, हम कैसे जाएंगे कैसे करेंगे, तो आपने समझाया था कि आप मास्क लगा के जाइए, आप हिम्मत रखिए सब, तो मैम पूरे उससे जो है कभी घर में नहीं रहते, ये हमारा एक्सपीरियंस। आप लोग कोई सिलेक्शन फील्ड मिल जाएगा हमारे दिमाग में क्या थॉट्स हैं? आज सर्वप्रथम आदरणीय बीसी साहब, रमाकांत साहब, हमारे गुरु जी मैम, इन सब का आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी चीज़ की हमारे बुलाने पे आप सब यहाँ आए हो, सीनियर पे इस बीमारी के सीनियर मेंबर्स हो, और क्योंकि हमारे कहने पे एक बार आप लोग यहाँ आगे इतना समय दिया, और केवल ये वैसे दिखाने के लिए तो आप लोग एफर्ट लेते हो, लेकिन ये आज बीमारी से संबंधित कोई दिखाना कोई चेकअप नहीं है, केवल जनरल कॉज के लिए आए हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप इसका हमने नाम सोचा है, और ये आप सब सब सर्वाइवर्स ग्रुप नहीं रखा मैंने इसका नाम, सर्वाइवर्स मतलब होता है कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे आप लोग सब ठीक हो चुके हो रास्ते से गुजर चुके हो, लेकिन इसका नाम मैंने सोचा है सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि आपके साथ जो आपके अटेंडेंट्स हैं घर के परिवार के या समाज के लोग भी जुड़ना चाहेंगे, वो भी इस बीमारी के बारे में बहुत से लोग काम करना चाहते हैं उन पेशेंट को सपोर्ट, तो सपोर्ट ग्रुप मैंने इसलिए नाम रखा, सर्वाइवर्स ग्रुप नहीं रखा। इसके बारे में कोई और आपके विचार होंगे तो हमें बताइएगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी के इसकी मैं ग्रीटिंग्स आप लोग सबको देता हूँ। आगे देखो ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि
सबसे महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है पिछले 10 साल में जो हमारे पास देश में रहता है, और चाहे ग्रामीण महिलाएं चाहे शहरी महिलाएं सबसे ज़्यादा होने वाला है। हमारी डॉक्टरों की क्या परेशानी इस बीमारी में कि हमारे पास जो 60% मरीज हैं, चाहे मेरे विभाग में देखिए, चाहे रेगुलेटरी विभाग में, चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, हम लोग के पास 60% मरीज बहुत लेट स्थिति में पहुंचते हैं बीमारी के, और ये पता लगता है कि उनको पता ही नहीं लगा चीज़ें। दूसरी चीज़ की जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद या इलाज के दौरान बहुत से मरीज इलाज छोड़ देते हैं या इलाज के बाद, क्योंकि ये बीमारी आप सबको पता है कि अगर एक छाती में होती है तो दूसरी छाती में भी होने का खतरा रहता है, तो वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमें जो लगता है कि फिजिकल सभी आप सबको इलाज हो रखा है, कुछ को दर्द होता है, किसी को तकलीफ है, किसी को ऑपरेशन की जगह कंधे में दर्द, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल और इकोनॉमिक की कहाँ इलाज लें, जाँचें हमें फॉलोअप में लिखी तो इतना पैसा लगेगा, कहाँ पर जाँच करावें, कहाँ पैसा कम लगे, वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं आपको सहायता देने के, लेकिन चूँकि आप इन सारी चीज़ों को जानते हो तो दूसरी चीज़ कि इस बीमारी के बारे में जो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं आगे बहुत सी भ्रांतियाँ हैं समाज में, तो वो भ्रांतियाँ भी मिटाना है। एक कोट है ये कि आप अपने को बिल्कुल स्ट्रांग समझो, जितना आप स्ट्रांग समझते हो उससे ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, समझ गए आगे। तो जो ये सपोर्ट ग्रुप है इसका मेन चीज़ क्या है कि कैसे हेल्प करेगा, ये सहायता कैसे करेगा, डिजीज़ के बारे में समझना, बीमारी के बारे में जितना हम समझते हैं उसी बराबर करीब करीब आप सब भी समझ चुके हो, सर्वाइवरशिप जो जिनका इलाज पूरा हो गया है उसके बाद कैसे फॉलोअप करना, सर्वाइवरशिप क्या है, आपको क्यों हो गया है, आप एक नॉर्मल पर्सन बन गए हो समाज के लिए, तो नॉर्मल पर्सन की हमें ज़रूरत है। जो स्ट्रेस इलाज के दौरान होता है उस स्ट्रेस से आपने कैसे छुटकारा पाया, उस जो तनाव हुआ जब आपको बीमारी पता लगी तो आपको लगा कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, सब चीज़ घर परिवार सब खत्म हो जाएगा, तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब, उनका इलाज कराओ, नहीं छोटे छोटे बच्चे उसी पे लाइन फंसी रहती है, उनकी वही परेशानी है परिवार की, है ना, लोग हैं जो कहाँ पे इलाज करावे। लास्ट लाइन मैंने लिखी अंडरस्टैंड नेविगेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम, इसका मतलब है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे हम लोग स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी है, हमारा जनरल डिपार्टमेंट भी है, PGI में है, RML में है, कोई एक अस्पताल है जिसमें भी जनरल डिपार्टमेंट ही है केवल, तो पेशेंट क्या है कि स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से पहुंच के जनरल में पहुंच जाता है, लोकल डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं कि इस मरीज को इसी जगह दिखाना है, ऐसे हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता भटकने का कोई उसको कोई भी सलाह देने को तैयार होता है, आप के चाय की दुकान पर भी बाहर बैठो आपको 4-5 लोग सलाह देने को तैयार रहेंगे कि ये मत कराओ वो मत कराओ। ये जो हम पहली बार ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं, ये हम लोग डॉक्टर लोग का इसमें कोई बहुत कम रोल है, हम इसको केवल फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं एक जगह, जैसे आप शादी में किसी के पहुँचते हो और उसमें सब लोग किसी फंक्शन पहुँचते हो जुड़ते हो और आपके नए संबंध बन जाते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात होती है, तो ये हम केवल आपको जोड़ रहे हैं, और इस जोड़ में ये पेशेंट्स और सर्वाइवर्स और जो समाज के लोग हैं, पेशेंट का मतलब जिन मरीजों का अभी इलाज चल रहा है या आधा इलाज है या जो नए पेशेंट्स हो गए। अब इसमें एक ही मुख्य चीज़ मेरी जो कंसर्न है कि हम उन्हीं पेशेंट्स को जोड़ें, हम पेशेंट से पूछेंगे जो अपनी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, प्राइवेसी, मतलब बहुत लोग होते हैं कि अपनी बीमारी और उन चीज़ों के बारे में समाज में बात करना नहीं चाहते, तो हमें वैसे लोग चाहिए कि जिनके अंदर ये जज्बा है कि मैं इस बीमारी से लड़ा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे देखो, हम आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, समझ गए, तो हम उन्हीं पेशेंट्स को आपको मेरे पास जैसे हमारे भाग में और जिस भी मेडिकल कॉलेज में दूसरे भाग में आएंगे तो उन पेशेंट से हम प्राइवेसी ले लेंगे, अगर वो कहते हैं हाँ तो हम आपको जोड़ेंगे, मैम आगे जी तो जोड़ेंगे, ठीक है, जो पेशेंट नए जुड़े उनको आपको सहायता करना है। नेक्स्ट, इसका काम है कि इस बीमारी के बारे में नॉलेज दूसरे नए पेशेंट्स को सपोर्ट और कम्फर्ट लेवल उनको आपको प्रदान करना है, आपका आप आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको जब कीमो लगी थी, आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपकी चीज़ें हुई, किसी मरीज को लगता है सीधे आपने देखा होगा कि हम बायोप्सी करते हैं 10 दिन में रिपोर्ट आएगी, 10 दिन बाद और कुछ जांचें होंगी, अब उस बीमार उसको लगता है कि यहाँ इलाज में बहुत देरी हो रही, जबकि वो 7 से 8 दिन बायोप्सी में लगेगा ही, बायोप्सी के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो उस बीच में कहीं भाग जाता है या छोड़ दे, तो उस जगह आपका रोल आता है, नहीं नहीं बायोप्सी में तो 10 दिन लगते ही हैं, उसके बाद ही आगे काम बढ़ेगा,
तो इन चीज़ों में कि उस मरीज को उस इलाज के दौरान कैंसर में क्या है कि पहला स्टेप हम जो मेरी सोच है पहला स्टेप कि मरीज हमारे पास समय पे पहुंचे, लेट ना पहुंचे। दूसरा स्टेप मरीज हमारे पास पहुंच गया हम डॉक्टरों के पास, उसके बाद वो भटक जाता है तो वहाँ पे आपका मुख्य रोल आता है। पहले स्टेप में आपका रोल थोड़ा बहुत है प्रचार करो, लेकिन दूसरे स्टेप में वो भटके नहीं, वो पूरा इलाज ले, प्रॉपर जांच करावे और बीच में इलाज न छोड़े। और जो इलाज के समय में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाओं, ऑपरेशन संबंधित जो परेशानियां होती या कुछ उसको अस्पताल में डिले लग रहा है उसके कारण लग रहा, तो उस जगह सपोर्ट ग्रुप का रोल आता है कि आप उसको बताओ कि नहीं इतना समय लगता है, हर चीज़ का जैसे समय लगेगा, इतना समय इस प्रोसेस में इतना समय लगना है। पूरी में चीज़ें आई हैं, इतना बड़ा फेना तूफान आया है, लेकिन क्या है तूफान आने के बाद तूफान गुजर जाता है, खुशियाँ और उसमें खुश रहना है, अपने जीवन को जीना है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। सो तीन फेज मैंने इसके सोचे थे जो इस सपोर्ट ग्रुप के प्लानिंग फेज। तो आज जो हमारी मीटिंग, आज मैंने सारे पेशेंट्स को नहीं बुलाया है, कुछ ही पेशेंट्स को, आप लोग चुने हुए पेशेंट्स हो मेरे हिसाब से, ठीक। प्लानिंग फेज है कि इसमें हम कुछ लोगों को जोड़ें, बुलाने और जोड़ें। नेक्स्ट फेज में क्या है कि आप सबका हम जो नंबर है आप सबको हम आपस में जोड़ देंगे, ग्रुप बना देंगे, आप सब आपस में एक दूसरे से बात करो, मिलो, और उस ग्रुप में जो नए पेशेंट्स हैं जो कंसेंट देंगे उनको हम जोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी कि आपके इलाके में जो मरीज हैं उनसे बात करिए, उनको सपोर्ट कीजिए, जो कभी उनके घर चले जाओ, कभी हमारे वार्ड में विजिट कर लो और मरीजों को देखो, ठीक है। जो जिस इलाके, जैसे ये नहीं कि आप रहते हो इंदिरा नगर में और कानपुर रोड का मरीज है तो आप पूरा दिन खराब करके चले जाते हो, आपके पास जो कानपुर रोड में आपके ग्रुप में जो आदमी हो पास का, आप उसको इस पेशेंट की आप जिम्मेदारी हो है इसको सपोर्ट देना, ठीक है। तो ये पहली चीज हमारा प्लानिंग फेज है कि ये दो तीन महीने क्या क्या करना। फिर इस तरह की मीटिंग हम कोशिश करेंगे हर दो महीने, तीन महीने, जब भी सुटेबल हो कोई एक दिन फिक्स कर लेंगे कि इस माह के सेकंड सैटरडे को या थर्ड सैटरडे को एक घंटे के लिए होगी, जगह बता देंगे हम, वो कल स्टेट हम लोग करेंगे। तो शुरू में चूंकि अभी बजट नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो कहीं भी करेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन जब हम थोड़े से और बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो उसमें और भी एक्टिविटी ऐड करेंगे, सोशल एक्टिविटीज ऐड करेंगे, किसी सेलिब्रिटी को बुलाएंगे, कभी डांस प्रोग्राम रखेंगे, मतलब आपको ये भी ना लगे कि हर बार जाते हैं वो बीमारी की बात होगी, जो बीमारी खत्म हो चुकी उसी का तनाव दिला रहे हैं हमें बुला के कि तुम ये ठीक हो गए। तो ऐसा मत समझो, मतलब उसमें हम भी जुड़े हैं तो उसमें हम लोग मौज मस्ती भी करेंगे, डांस शो भी करेंगे, फैशन शो भी करेंगे, आपको हम फैशन वॉक भी कराएंगे आपके हस्बैंड फैमिली के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, और सेलिब्रिटी बुलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं, केवल ये बैकग्राउंड है, मतलब एक्टिविटी है और बाकी और एक्टिविटी हम जोड़ेंगे जो भी आपको होगी हम उसके लिए बुलाने की तैयार है। तो ये कभी बेटी यहाँ करेंगे, कभी दूसरी जगह, डिपेंडिंग अपने कंसेंट में, कभी होटल करेंगे और उसमें और दूसरे एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि जैसे किटी पार्टी में आप लोग इंजॉय करते हो, दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर किटी पार्टी, ठीक, जिसमें किटी नहीं देना, कुछ देना नहीं है, ऐसा बस होना किटी ना होगा तो पैसा देना है, और ठीक उसके बाद बीच बीच में इसको हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं और नई क्या एक्टिविटी करें। आप सबसे भी विचार आएंगे है कि इसमें और कुछ करते हैं हम, ये करना चाहिए, तो वो जो विचार आएंगे उन विचारों को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। मतलब साफ साफ लिखा मैंने कि हम इसमें कुछ नहीं देने जा रहे हैं आपको, ठीक, आपको इस बीमारी के बारे में ज्ञान और अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बांटना है। दूसरों को सुनना, दूसरी लाइन जो मैंने लिखी है कि सुनना बहुत जरूरी है, जो पेशेंट से हम लोग वक्त को सुनते हैं उनको सुनना और उनकी भ्रांतियों को मिटाना और उनको सपोर्ट देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इधर क्वेश्चन है, और बॉन्डिंग बढ़ाना, पेशेंट केयर गिवर्स बॉन्डिंग, कि मतलब जैसे कभी आया हमारे पास मिल जाए, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी हो सकता है कि मैंने ओपीडी में जल्दी बात नहीं की, ठीक से बात नहीं की, आपने कहा हो और मैं दो मिनट देख के चला गया हूँ इस जल्दी में, आपको लगा कि हम तो चले आ रहे बहराइच से और बताइए चार घंटे लगा के और इनको समय नहीं है, तो हमारा कोई ऐसा विचार नहीं रहता हम डॉक्टरों का कि हम किसी मरीज का बात व्यवहार करें, लेकिन वो उस समय की कि हम कहीं व्यस्त हैं, मीटिंग जाना है, कोई और ज़रूरी चीज़ पता, हमें ऑपरेशन थिएटर ला के जाना है, तो वही चीज़ें कि केयर गिवर्स के में कि नहीं तुम्हारा डॉक्टर ठीक है तो उस पर लगे रहो, इलाज कराओ, क्योंकि हर चीज़ तो हम नहीं करें, तुम देखते हो यहाँ पे टीम वर्क होता है, इलाज का तो एक टीम वर्क है,
तो टीम तो काम करेगी, एक आदमी उसमें किसी दिन अगर थोड़ा बॉन्ड टेढ़ी है तो टेढ़ी कर दो है। तो ये बॉन्डिंग भी हमारे बीच में आपकी, हमारे बारे में जो प्लान किया और डॉक्टर बारे में, अस्पताल के बारे में, डिजीज बारे में, ये सारी जिम्मेदारी आपकी बैठी। आपने यहाँ से इलाज दिया, हमारे मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट में बहुत प्लान दिया है, मेडिकल कॉलेज मत जाना यार, बाकी कुछ नहीं भी चलेगा, आप लोग इलाज दियो। क्या हम लोग मेहनत नहीं करते, सब चीज़ें करते हैं, एक चीज़ कोशिश करते हैं कि इलाज पैसा सब चीज़ जो भी आपको हेल्प कर सकें। एक जो जरूरी काम मैं अभी दे रहा हूँ, जो अगली मीटिंग में आप सबसे चाहूँगा, ये मिलना मिलाना और सारी चीज़ तो शुरू ही होगी, तो सेकेंड लाइन देखिए, मैं आप सबकी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आपको कैंसर कैसे पता लगा, आपके शब्दों में कैसे पता लगा गांठ, आपके दिमाग में क्या विचार आए, आपके शब्दों में क्या विचार आए, फिर आपने क्या सोचा, क्या सोच के आप डॉक्टर के पास गए, और उस डॉक्टर का बिहेवियर क्या, मतलब ये जो पूरी आपकी जर्नी थी सर्वाइवर की, सिर्फ ये सर्वाइवर्स के लिए, ये मैं पूरी स्टोरी आपके शब्दों जैसे आप बता रहे थे, तो इसको मुझे लिख के आपको देना है, आपको अपने शब्दों में देना है, उसमें जो भी साहित्यिक चीज़ होगी वो हम इम्प्रूव करेंगे। और मेरा लॉन्ग टर्म प्लान ये है, क्योंकि जब आप किसी की स्टोरी पढ़ो, आत्मकथा निकलती है ना, आत्मकथा में क्या सीखते हो आप, उसने जिया जी लिया, लेकिन उसकी आत्मकथा से हम बहुत सी चीज़ें हम अपना आत्मनिर्भर करके और सीखते हैं कि इस आदमी ने ऐसा करा जिस चीज से यहाँ पहुँचा है, उससे हमें ताकत मिलती है और उन्हें शिक्षा में लड़ने की वो मिलती है। तो मेरे दिमाग में है कि आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, अलग अलग जगहों से आए हो, अलग अलग स्थितियों से आए हो, अलग अलग परिवार की स्थिति है, आपकी क्या फीलिंग थी, और उसको हमें लिख के दो, और अगर वो प्रभु ने चाहा तो उसको हम कंपाइल करा के और सर्वाइवर्स की एक स्टोरी हम निकलवाएंगे, जिसको कि लोग पढ़े, नए पेशेंट्स पढ़े और उनको स्टिमुलेशन मिले कि नहीं देखो ये पेशेंट्स है, और ये आपकी ट्रू स्टोरी, कोई उसमें फैक्चुअल स्टोरी नहीं, हम नाम और वो चीज़ें अगर आप चाहोगे तो प्राइवेसी आपकी उसमें नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि ऐसी कोई चीज़ निकले कि सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट ग्रुप का ही वो चीज़ रहे, ठीक, और अगर उससे कुछ पैसा आता है तो सपोर्ट ग्रुप की इनकम में जो ऐड होगा, ठीक है। तो ये मुझे अगली बार ये जो चाहिए, ये एक एक्टिविटी है। इसके अलावा पीरियोडिक एजुकेशनल टॉक्स, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और ज्ञान चाहिए तो उसके लिए मैं कहीं भी आप चाहते हो अपने सपोर्ट ग्रुप में, महिलाओं के ग्रुप में आपने कहीं अरेंज किया 150 महिलाएं, और आप चाहते हो कि वहाँ आके हम ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर अवेयरनेस, जागरूकता के बारे में बात करना चाहें, हम हमारी टीम दूसरे विभाग, ये मैं वादा करता हूँ कि आप तारीख रखो, आपको उस दिन कोई ना कोई डॉक्टर मेरे अस्पताल से मिलेगा जो कि स्तन कैंसर के बारे में आपके क्षेत्र में जाके बात करेगा और इसके बारे में एजुकेशन देगा, ठीक। बीच बीच में हम इंट्रेक्शन करेंगे, अवेयरनेस की बातें भी करेंगे, और मेन चीज़ जो थीम मैंने बताई वो थीम वही एक सपोर्ट सिस्टम। आपकी जो हमारे एम्स है ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भागने में मजा नहीं है, अब आप ठीक हो चुके हैं, चूंकि लड़ चुके हो इस चीज से तो दूसरों को लड़ने के लिए, इस लड़ाई के लिए तैयार करो, इसी में मजा है। और मैं इससे क्या सोचता हूँ कि मेरा मेन आउटकम क्या होगा, पेशेंट बीच में ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी चीज़ जब आप एक दूसरे में, चूँकि देखो किसी को करने में दर्द हो रहा है, किसी को ऑपरेशन में दर्द हो रहा है, किसी को तकलीफ हो, तो उसको लगता है कि मेरे को बीमारी वापस तो नहीं आ रही, रात नींद खराब हो गई, पति से लड़ाई हो रही, घर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, और वो पाँच बातें करें बोले हमें भी है तो क्या हुआ मन में, क्या बेटा ये तो कॉमन चीज़ है, इस ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है, एक अंदर से वो होगा ना कि ठीक है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है ना, तो ठीक हो, तो इमोशनल चीज़ खत्म हो गई। तो ये कहने का मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं इशू, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है कि आप जो जिंदगी गुजार रहे हो उसमें खुशियाँ हो, तो वो खुशियाँ, अगर आपको तनाव हो रहा है तो आपकी खुशियाँ गायब हो जाएंगी ना, तो वो कि मेरे को बीमारी है, पति कह रहा तुम्हें इलाज हो गया, डॉक्टर कहते ठीक हो, तो मैं वही परेशानी लगी रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी, जो नए पेशेंट्स आएंगे उनकी इम्प्रूव होगी, उनको लगेगा नहीं जो उनके दिमाग में भय बैठता है बीमारी के बारे में, वो सारी चीज़ें। तो मेन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेट एम है कि आप खुश रहो, खुश रहो, इस बीमारी से निकल चुके हो, बहुत खुश रहो। आप हमेशा नाव चला सकते हो, विंड को नहीं बदल सकते, तो जो आपके जीवन में आया वो तो नहीं बदला जा सकता था, आप सभी जानते हो, लेकिन अब किस रास्ते पे आपको जाना है वो रास्ता आप जरूर चुन सकते हो। हम लोग अवेयरनेस के भी प्रोग्राम करते हैं, लास्ट ईयर ये मैं बस जस्ट फोटो शेयर कर रहा हूँ, हम लोग ने मैराथन कराई थी हमारे यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी मैराथन, लखनऊ की अभी तक की टॉप मैराथन हुई है, सबसे बड़े अथलीट, सबसे प्राइज मनी। तो अवेयरनेस का काम एक तरफ चलता है,
ये दूसरा स्टेप का काम है जो मैंने आज शुरू किया। ये मेरे दिमाग में पिछले साल भी था साथ साथ करें, लेकिन मैराथन का काम इतना बढ़ गया कि हमने सर्वाइवरशिप का काम ड्रॉप कर दिया। ये हमारे प्राइस जो पूरे एथलीट्स आए थे, ये कुछ संकेत हैं जो आप सब जानते हो, जस्ट स्लाइड लगाइए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरी चीज़ ध्यान से, और मैं चाहूँगा कि आप सब आप हमें बहुत बार लगता था इसकी को देख के उस यहाँ कपड़े देख के कि छोड़ ना देगा, मतलब ब्लीडिंग अल्सर एंड इज क्योर्ड, और वो दूसरे उधर बैठे थे विश्वविद्यालय में जो अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। इस अनोखे कार्यक्रम के आयोजन के लिए इंडोक्रीन सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, यहाँ की नंबर दो डॉक्टर पूजा रमाकांत जी और डॉक्टर कुलरंजन जी, कहाँ है कुलरंजन, सपोर्ट ग्रुप में पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और विभाग के सभी कर्मचारियों को साधुवाद देते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर रमाकांत साहब, जो पहले सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे और आज में भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, मैडम शंकरधर, प्रोफेसर कीर्ति श्रीवास्तव जी और डॉक्टर आनंद मिश्रा जी की बेटर हाफ भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सपोर्ट ग्रुप अब देखिए पूर्ण रूप ले रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई कार्य अगर पति पत्नी दोनों मिल करके योजित करें तो काम सफल ही होना है। इस दृष्टि से यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी चिकित्सकों और साथ में आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लगभग 25 सर्वाइवर्स यहाँ आए हुए हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ संघर्ष करके और सफलता प्राप्त किए हैं, और ऐसे अवसर पर आप लोगों को मैं आने के लिए साधुवाद देता हूं और आपकी सफल संघर्ष के लिए बधाई देता हूं। ये विभाग के द्वारा जो इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है, ये उसके उद्देश्यों के बारे में डॉक्टर आनंद मिश्रा जी ने विस्तार से बता दिया है, तो वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बातों के बारे में मैं दोबारा समय नहीं दूंगा। आपको भी बैठने की व्यवस्था इधर कुर्सी, आप इधर बैठ जाओ, आज के हमारे वीआईपी ये लोग हैं, आज के मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में हमारे 25 मुख्य अतिथि आप लोग, आज के मुख्य अतिथि आप लोग निश्चित रूप से आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो जो उद्देश्य है ये सपोर्ट ग्रुप बनाने का, इसके लिए तो उद्देश्य क्या है, क्या कार्रवाई होनी है और आपसे क्या अपेक्षा है, इसके बारे में डॉक्टर ने पर्याप्त बता दिया है। और इस कार्यक्रम में आज मीडिया पार्टनर के रूप में सिटीजन न्यूज सर्विस के द्वारा लाइव इसका प्रसारण हो रहा है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे डाला जाएगा। ये जो जानकारी हो रही केवल इसी कमरे तक सीमित नहीं रहेगी, ये समाज के दूर दूर तक हिस्सों में जाएगी, और आपके द्वारा जो दो शब्द कहे गए हल्के हल्के फुल्के तरीके से कहे गए, लेकिन उससे बहुत प्रेरणा होगी,
क्योंकि कैंसर के बारे में ये माना जाता है कि जो सामान्य भ्रांति है अभी भी तमाम जगहों पर भ्रांति है कि ये बीमारी हो गई तो जीवन यात्रा समाप्त हो गई, जैसे मृत्यु का दंड दे दिया गया, अब मृत्यु होनी ही होनी है। और आप लोग जीता जागता उदाहरण है कि आपने इससे संघर्ष किया और सफलता भी प्राप्त की। और आप जैसे जो लोग यहाँ पर 25 लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि ये प्रारंभ तो कुछ लोगों से ही होता है, इस विभाग के द्वारा अकेले डॉक्टर आनंद मिश्रा के विभाग के द्वारा इस 350 से ज़्यादा सर्वाइवर्स हैं वर्तमान में। और इस चिकित्सा जबकि ये विभाग खुद अपने आप में एक नया विभाग है, वैसे जनरल सर्जरी विभाग जिसमें रमाकांत साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पहले 40-50 साल से ब्रेस्ट कैंसर का वहाँ ऑपरेशन और इलाज हो रहा है। उसके बाद और भी जो डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, तो ब्रेस्ट कैंसर का और अन्य कैंसर का इलाज होता रहा। केवल एक विभाग के द्वारा 350 लोगों को जिंदगी मिली। अगर वो इलाज न होता कायदे से व्यवस्थित तरीके से तो जीवन का हर्ष थोड़ा सा सकारात्मक न हो पाता, ये भी हम लोगों को ज्ञात है। और आप लोगों की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारे देश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर इस समय नंबर एक पर पहुंच गया है। 1,20,000 से 1,30,000 से ज़्यादा महिलाओं को, लगभग 1.5 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है आपके द्वारा ये भ्रांति दूर करनी है कि इस बीमारी से सफलतापूर्वक संघर्ष किया जा सकता है। और हमारे देश में भी ये अनुभव है कि करीब 70-80% महिलाएं इस बीमारी से जिनको होती है वो ठीक हो जाती हैं। और बीमारी केवल महिलाओं तक नहीं है, 1% ब्रेस्ट कैंसर के मरीज पुरुष भी होते हैं। और सफल 2 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति भी बहुत बड़ा एक संदेश है और संकेत है, क्योंकि पुरुष को कोई गांठ घाव हुई तो सोचता नहीं कि ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 70-80% लोग ठीक होते हैं, उन सौभाग्यशाली 70-80% ठीक होने वाले में आप लोग हैं। सब लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। और सफल ना होने के पीछे अब जो कारण है वो बीमारी के प्रति जो उदासीनता है, जो भय है, बायोप्सी करा ली और बीमारी का पता तो लग गया, तो हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर से पूछेंगे तो हम हमेशा ये कहेंगे कि भाई इसमें ठीक होने की संभावना 70-80% की है। ये हम कभी नहीं कहेंगे कि 100% व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक नीम हकीम है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, जो जानता नहीं कि उसके पास कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। लेकिन आप जाएंगे तो झूठा आपको एक वादा कर देगा कि आप 3-4 महीने हमारे साथ लग के इलाज कीजिए और हम ठीक कर देंगे। तो उससे किसी मरीज को हम लोगों ने आज तक ठीक होते नहीं देखा है। हम लोगों की भी आंखें खुली हुई हैं कि कुछ मरीज हैं जो बायोप्सी करा के हमसे चले जाते हैं इधर उधर इलाज कराने, तो लौट के हमारे पास या हमारे अन्य साथियों के पास ही आते हैं, वहाँ कोई ठीक नहीं होता है। ठीक कौन होता है वो भी एक जानना जरूरी है आप लोगों को, कि किसी ने मान लीजिए अपना ऑपरेशन यहाँ करा लिया डॉक्टर साहब से, तो ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब का 3-2 घंटे का काम है। 2 घंटे में डॉक्टर साहब ने जब अच्छा काम कर दिया, उसके बाद मान लीजिए किसी का घाव नहीं ठीक हुआ, घाव पक गया, वो कैंसर नहीं है, कैंसर तो इन्होंने निकाल दिया, इतने बड़े एक्सपर्ट है कि इनका जब हाथ लगेगा तो पूरा निकाल ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, अधूरा नहीं काम करते हैं, हो ही नहीं सकता कि अधूरा किसी का छोड़ दे, ये पक्का है। उसकी घाव पक गई, अब वो आदमी चला गया होम्योपैथी के पास इलाज कराने, उस साथ में एंटीबायोटिक घाव सूखने की दवा लिया, वो घाव ठीक हो जाता है और वो होम्योपैथी वाला वो फोटो खींच लेता, बाद में फोटो खींच के दिखाता है कि हमने ठीक कर दिया, देखो ये फोटो। ये झूठा दुष्प्रचार है जिससे गुमराह करके मरीजों का पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, और उनकी बीमारी जो इलाज के लायक थी, निदान के लायक थी, उसको एडवांस स्टेज में पहुंच करके लाइलाज स्थिति में पहुंचा देते हैं। ये दुर्भाग्य है और इस जानकारी को आप लोगों को करना है। इस दृष्टि से एक चीज और आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोग किस कारण से गया इसके बहुत कारण है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कारण है जेनेटिक फैमिलियर कारण, कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं शरीर में, ऐसे कुछ गुण होते हैं, उन गुण के कारण कुछ लोगों में पारिवारिक तरीके से होने की संभावना ज़्यादा होती है।
तो जो गुण दोष है पारिवारिक, उसको जेनेटिक कह सकते हैं, उसको तो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम लोग बदल सकते हैं, उसकी जानकारी हमें करना चाहिए और समाज में इसको भी हमें प्रचारित करना चाहिए कि हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग चिकित्सक या अकेले ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप लोगों का सबका पूरे समाज का सहयोग आवश्यक है और आपका सहयोग ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप लोग इस बीमारी की त्रासदी के रास्ते से गुजर के और इसके साथ जो दुख दर्द होता है, आशा निराशा होती है, परेशानी होती है, समस्या होती है, उससे आप रूबरू हो चुके हैं, जूझ चुके हैं, तो इसलिए आपकी कही बात कोई भी आसानी से सुन लेगा, हमारी बात पे तो आदमी शंका करेगा, इसलिए आपका योगदान है। और कारण जो कुछ ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है, उसको भी बदलने की आवश्यकता है पूरे समाज में, आप लोगों के माध्यम से और यहाँ मीडिया के माध्यम से कवरेज हो रहा है, तो इसके माध्यम से हम जानकारी ये देना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कम करने के लिए महिलाओं की माँ बनने की और आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर माँ बन जाती हैं 18 से 25 सबसे उचित आयु है माँ बनने के लिए, जिसमें बनती है तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होगी। दूसरा आवश्यकता है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने स्तनपान माँ का दूध पिलाएं, उस दूध को पिलाने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो वजन बढ़ गया है वो घटेगा और साथ में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना भी कम हो जाएगी। दूसरा, नियमित व्यायाम से ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। आज सफल जीवन का मतलब है, संपन्न जीवन का मतलब है कि काम न करना, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो काम करना, शारीरिक श्रम करना, व्यायाम करना, वॉकिंग करना, योगासन प्राणायाम और ध्यान करना, ये अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ब्रेस्ट कैंसर से भी बचने के लिए आवश्यक है। और ब्रेस्ट कैंसर से जो ठीक हुए हैं आगे भी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, इसलिए भी नियमित व्यायाम और योगासन प्राणायाम ये सब करने की अत्यंत आवश्यकता है। और उसके साथ आवश्यकता है कि वसा का सेवन बहुत कम करना चाहिए, जो घी तेल चिकनाई है उसका प्रयोग ज़्यादा करने पे भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है शारीरिक श्रम न करना और वसा युक्त भोजन करना, जिससे वजन बढ़ता है, तो ज़्यादा वजन होने पर भी इस बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। और उन महिलाओं को जिनके पास ये भी बच्चे होना प्रकृति का, भगवान का वरदान है, लेकिन जो स्वतः जानबूझ करके बच्चे आजकल लोग नहीं पैदा कर रहे हैं, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण में है। तमाम कारण है, सबके लिए अलग अलग अवस्थाएं, सामाजिक मान्यताएं हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए तभी हम समाज में ये जानकारी दे सकते हैं और तभी लोग बच सकते हैं। और साथ में जो कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, जो आनुवंशिक या जेनेटिक के अलावा, शराब का सेवन, स्मोकिंग करना, ये भी उसके कारणों में, स्मोकिंग से भी ये बढ़ रहा है, महिलाओं में भी आजकल स्मोकिंग हो रही, पुरुषों में भी हो रही है। तो ये कुछ कारण है जिसको हम लोग जानते हैं, उस पे रोकथाम अपने लिए भी और भविष्य में दूसरों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जिसको एक तरफ का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है दूसरे तरफ की होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज तलवार लटकने लगे, लेकिन हमें अपने को नियमित करना है, संयमित करना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो आप लोगों का दायित्व तो है कि जिसको कहीं किसी को, माँ बहन को, किसी को गांठ को छाती में, तो चिकित्सकीय जांच करा करके समुचित इलाज करवाने की आवश्यकता है। भ्रांति बस इधर उधर न भागे, ये भी जानकारी आवश्यक है कि छाती में 90% गांठें, 95% गांठें कैंसर नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी को गांठ हो गया तो सब कैंसर ही है। तो जो यंग लड़कियों को, माताओं बहनों को कम उम्र में गांठें होती हैं, ज्यादातर 80-90% कैंसर की नहीं होती है। और 50% के बाद जो गांठें होती हैं उनमें संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बीमारी का दुर्भाग्य यह है कि प्रारंभ में इसकी गांठ में दर्द नहीं होता, इसलिए आदमी ध्यान नहीं देता है। कहीं दर्द हो तो आदमी तुरंत चिकित्सक से इलाज कराएगा, दर्द की दवा लेगा, किसी को दिखाएगा, इसमें शुरू में दर्द नहीं होता है, इसीलिए बीमारी नेग्लेक्ट होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि बहुत कड़ी पत्थर की तरह से गांठ होती है इसकी, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और 50 वर्ष के ज़्यादा से उम्र में किसी महिला या पुरुष को हो रहा है तो उस पर जरूर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है।
इन जानकारियों के साथ अगर आप इस सपोर्ट ग्रुप में करते हैं तो ये जिनकी मदद के लिए आप जाएंगे उसकी तो कोई सराहना ही नहीं की जा सकती। उसका जो आपका द्वारा किया गया योगदान है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये आपकी जीवन यात्रा के लिए भी बहुत सार्थक है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए केवल शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी नहीं है। एक चीज बस एक बार बता के बाद खत्म करूंगा, शारीरिक स्वास्थ्य जिसको फिजिकल हेल्थ कहते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी भी फिजिकल बीमारी के रूप में है, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीन और पहलू है स्वास्थ्य के। और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों से जुड़ें, तन्हाई में, एकाकीपन में, अकेले, समाज से कट के न रहें, तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और दूसरों के लिए सामाजिक रूप से जुड़ करके सहायता की दृष्टि से कुछ काम करें निस्वार्थ भाव से, तो यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य पूजा मंदिर गिरजा गुरुद्वारा और मस्जिद जाना नहीं है, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना, यही सबसे बड़ा अध्यात्म है, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, यही सबसे बड़ी पूजा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे दुनिया के सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में यही बात पाई गई है कि यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। संस्कृत में एक कहावत है, उसको कहूँगा लेकिन मैंने पढ़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है, अरबी में भी पढ़ा है, अंग्रेजी में भी पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी धर्म में भी पढ़ा है, और ये है कि अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, पाप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुण्य सबसे बड़ा परोपकार है। और ये अष्टादश पुराणस, 18 जो पुराण है उसका निचोड़ ये है, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ ये है। कोई भी हिंदू, कोई भी धरती पर, 135 करोड़ तो भारत में ही है, हिंदू धर्म के सभी पुस्तकों को, शास्त्रों को, पुराणों को, उप पुराणों, उप पुराणों, गीता, महाभारत और जितने रामायण है, रामचरितमानस है, सारी धर्म की पुस्तकें कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो ये कि जीवन में पढ़ ही नहीं सकता, उतारना तो असंभव है, लेकिन उसका निचोड़ इतना ही है। जिसको तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना, परहित सरिस कोई धर्म नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। इस प्रेरणा से आप चलेंगे तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो गए। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातें मैंने बताई, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर पे आज केवल बात हुई है, और दूसरा डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर पूजा रमाकांत, डॉक्टर कुलरंजन जी, और यहाँ पर जो डॉक्टर संदीप तिवारी ट्रामा सर्जरी के हेड हैं, और भी हमारे चिकित्सक यहाँ पर आ गए हैं, ये सब लोग अनवरत कार्य कर रहे हैं। इनसे साथ मरीजों को लाइए, उनकी सेवा कीजिए और समाज में फैली हुई भ्रांतियों को खत्म कीजिए। अब डॉक्टर आनंद मिश्रा जो अपना बेस्ट काम करते हैं, जो योग साधना से बढ़ करके, डॉक्टर पूजा जो करती है योग साधना, असली प्राणायाम, ऑपरेशन थिएटर में जब खड़े होकर किसी मरीज का ऑपरेशन करती हैं, तो किसी मुख्यमंत्री, किसी गवर्नर, किसी मंत्री, किसी आईएएस और किसी उनके सीनियर वाइस चांसलर के फोन की जरूरत नहीं होती कि जरा इनका बढ़िया ऑपरेशन कर देना, फिर भी लोग कहलवाते हैं। ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जो कहलवाते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उतने ही मेहनत से अच्छा ऑपरेशन होगी, और खराब ऑपरेशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा मेहनत कोई डॉक्टर नहीं करता है, उतना ही करता है जिसमें उसके मरीज का हित है। मरीज को डॉक्टर इलाज करता है अपने बच्चे के समान भावना से, उसका ऑपरेशन करता है इस भावना से। सब लोग आइए, लेकिन इतने व्यस्त है अब इस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं कि ओपीडी में तो नहीं होंगे, वार्ड में नहीं, वार्ड के मरीजों को क्या मालूम कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। अभी आप एक कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे कहीं पे, कोई समाज हित में डॉक्टर साहब जाएंगे तो वहां पे होंगे कि यहाँ होंगे, 24 घंटे 2400 जगह थोड़े उपस्थित रह सकते हैं। इन चीजों का भी आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि आप यहाँ रहे हैं, इसके संदेश वाहक बने, समाज में परिवर्तन, आशा की नई किरण और लोगों के स्वास्थ्य का एक नया वरदान प्रभु के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा और अपने मेहनत से हासिल की गई इनकी जो विधा है, जो स्किल है, जो इन्होंने कला हासिल की है सर्जरी की, उसके माध्यम से आप लोग लाभान्वित हुए और लोग लाभान्वित हो। इनका तो साधुवाद करने का शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन आपका साधुवाद मैं अवश्य करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत ही पावरफुल मैसेज गई है समाज को और हम सबको।
समाज में परिवर्तन आएगा और एक अच्छी लहर और सही डायरेक्शन में आएगा। अब हम कुछ लोगों को ऐसा बुलाना चाहेंगे जिन्होंने सोसाइटी में पहले से ही काफ़ी काम कर रखा है इस डायरेक्शन में और सपोर्ट ग्रुप बनाए हैं, टोबैको के अगेंस्ट काम किया है और सोसाइटी में अपने काम के अलावा काम किया है सोशल एक्टिविज्म के लिए। प्रोफेसर रमाकांत पहले यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से सोचने के CMS से मैं उनको बुलाऊंगी कि उनका क्या संदेश है हम सबके लिए। और एक अच्छा सा कोटेशन है जो आज सुबह ही अमित अग्रवाल सर ने भेजा ईमेल पे कि द वुड्स वुड बी वेरी साइलेंट इफ नो बर्ड सैंग। अगर पेड़ की टहनी पे जो चिड़िया अगर चहकेंगी नहीं तो फिर उस टहनी का मजा नहीं है। आप लोगों से बहुत ही आप सबको मालूम नहीं होगा यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो परिवार है वो तो सब जानता है। डॉक्टर रमाकांत साहब हमें भी पढ़ाए हैं, सर्जरी के प्रोफेसर थे जैसा कि मैंने बताया और उनकी मिसेज यहाँ बैठी हैं। आप भी चिकित्सक समाज सेवा के बहुत काम करती हैं, लोगों को कृत्रिम अंग दिलवाने में और लिम्ब सेंटर में और तरह तरह के योगदान करती हैं और दान करती हैं। और उनकी बेटी है कहानी बेटी हमारी दोनों ऐसे सौभाग्यशाली माँ और पिता हैं जिनकी ये बेटी है। पूरा परिवार और परिवार का सहयोग इस कार्य के लिए यही समाप्त नहीं होता। जो लाइव प्रसारण हो रहा है, जो यहाँ पर सिटीजन न्यूज सर्विस चल रही है, इनके बेटे हैं इस समय हैं तो थाईलैंड में, लेकिन उन्हीं के ग्रुप के द्वारा निस्वार्थ भाव से निशुल्क ये कार्य किया जा रहा है। पूरा परिवार समाज की सेवा में लगा है, ऐसा अनुभव रहा है। थैंक यू आप सभी लोग। भाइयों और बहनों, इसलिए यहाँ पे आज अजीब तरह का एटमॉस्फेयर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप प्रांशन बनाया है कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट ग्रुप है कि आज से कम मैं बात करूँगा कम से कम 30-35 साल पहले की एक स्टडी की गई थी जिनमें ये पाया गया था कि स्टेज 4 के जो कैंसर है उनके अंदर जब उम्मीद ये की जाती थी कि शायद 4-6 महीने तक आगे जिंदा नहीं रहेंगे, 3 महीने तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो उनके अंदर ही देखा गया इस तरह का जब ग्रुप बनाया आज जिस तरह इसकी रचना हो रही है तो बहुत सुंदर है। लेकिन उस समय वो बड़ा शुरुआत की बात थी, लेकिन कहीं बनाया था तो उन्होंने देखा बैठे कि एक ग्रुप में रहने के कारण, एक दूसरे से बात करने के कारण, एक दूसरे से समस्याओं का समाधान ढूंढने के कारण वो मरीज जो आपस में बेहतर और खुश रहे उसके बारे में उन सबकी जिंदगी 6 महीने से 7 वर्ष तक बढ़ गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं। आप ये सोचें कि इतना बड़ा ये टाइम गुजरा जब इस ग्रुप को बहुत सारी लोगों ने नहीं बनाया, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने जो ग्रुप बनाया जिसके अंदर और इनकी पूरी टीम ने बनाया और उसके बाद आप लोग सब लोग इतनी दूर से आए और पहली कॉल पर भी आप लोग सब आके बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इसको बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़े। हमारे जो है छात्र नाम है डॉक्टर भट्ट, उन्होंने आप जानने बहुत सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाएं। मैं आपको केवल 2-4 चीज़ें और बताना चाहूँगा जो आप समझ। पहली बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैंने बहुत देर से वॉच कर रखा कि उनमें ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर कोई दुख या उदासी नहीं, कुछ लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि इस पर भी बड़े सारे रिसर्च और शोध हुई है कि दुनिया में जो लोग जीते हैं उनका जीने का कितना पीरियड होगा, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 100 साल, कुछ लोग 100 साल से भी आते हैं, तो उनके अंदर ही देखा गया कि इनमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये पैसा है या कि कोई पोस्ट है, कोई ऊँची पोस्टों पहुँच गया, कोई नीचे पोस्टों पर रह गया, या सफलता है किसी काम में। तो उन्होंने सारी चीज़ों को जो संभव पॉसिबल है कि कितना लग्जरी में आप रह रहे हैं, आप एयर कंडीशन से दोनों में रह रहे हैं या आप झोपड़ी में रह रहे हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें जिसके बारे लोगों का जीवन बढ़ता है।
आपको ताज्जुब है जान की कोई कैसा बता सकता है कि क्या चीज निकली हो? खुश रहना तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या है निकला ये था कि जिन लोगों के जितने ज्यादा लोगों से संबंध थे, जिनसे मान लीजिए सपोज करिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी वो हो सकता है जो यहाँ पर आया और किसी से भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना और चुपचाप चला गया, इसका भविष्य उज्ज्वल है। एक आदमी यहाँ पर आया जिसको मिला न जानता हूँ, तब भी उसने उसको नमस्कार किया, एक दूसरे को देख के खुश हुए, बात की, जब यहाँ से लौटा तो कम से कम 10-20 लोगों की मेमोरीज लेके गया, और वही आदमी आज मेट्रो में या किसी ट्रेन में प्लेन में मिला, उसने अरे सर आपको वहाँ मिले, ये जो रिश्ता है जिस किसी से मिले जहाँ से गुजरे आपकी सुगंध छूटनी चाहिए, एक आपका पहचान छूटनी चाहिए। मैं आपको बताऊँगा हमारे भी गुरु जो बहुत फेमस कैंसर सर्जन हुए यहाँ पर, उनकी एक खास चीज मुझे याद आती जो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूँगा, वो क्या होता था कि जहाँ वो जाते थे जिस होटल में घुसते थे चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर देश में, आप मान नहीं पाएंगे कि गार्ड से लेकर रिसेप्शन से लेकर और कमरे तक का साफ करने वाले हर किसी का नाम की जबान को हर किसी से वो बात करते थे, और जब निकल के जाने लगते थे कहीं पर भी तो मैंने देखा वो खुद सल्यूट करते थे, अगर वो वहाँ पर काम करने वाला उनको बात नहीं कर रहा है तो वो जरूर सब बोलते थे गुड मॉर्निंग नमस्कार। आप देखेंगे 2-3 के बाद वो खुद नमस्कार करने लगेगा, और ये चीज आपको खुशी देगी। हमने उसे बहुत सीखा, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि जो एक चीज जो आपको नहीं जाती है वो ये है, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको गुस्सा आ जाता है, या किसी गुस्सा नहीं आता आध्यात्मिक रूप में शायद तिवारी साहब बैठे हुए तो उम्मीद कर सकता हूँ, या कितने लोगों में कुछ आराम होता है तब मैं आपको बता दूंगा सर उसका मंत्र नहीं बताऊंगा, कि आप ये हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को गुस्सा आता है। आज मूड है ये ऐसे करते बाकी लोग मुझे अच्छा झूठ बोल रहे हैं, कभी कभी गुस्सा आता है। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, ये पता है कि गुस्सा का मतलब क्या होता है? हम सब ने भी किए, हम सब भी करते थे, आज छोड़ चुके हम आज का क्रोध रहित बिल्कुल वातावरण में रहता, और उसको मैंने सीखा, लेकिन जब भी सीखें आप आज मैं आपको सिखा रहा हूँ आप भी सीख लेंगे। क्या है कि एक जीएसलाई की पत्नी की तरह होता है गुस्सा, जिसमें एक सर होता है और एक छोटी सी टीवी होती है, आपके सर में तो दिमाग है लेकिन जीएसलाई के सर की पत्नी के में दिमाग नहीं है। वो बना किस लिए है? कोई दिया जलाना है या किसी चीज को जलाना है उसके लिए, लेकिन जैसे ही आप उसको माचिस से जलाते हैं जलता पहले कौन है? पहले खुद जल जाता है। तो क्या होता है ऐसे ही सारी इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कि जब हम उससे मारते हैं तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जिनके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे अंदर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, और इनका जो हमारे दिमाग की मेमोरी पर असर पड़ता है, उसके बाद उसकी खुशी तो गायब हो जाती है बैठ के। तो इसलिए क्या होता है धीरे धीरे आपको मैं बहुत सारे एक सीक्रेट बता दूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करते होंगे, बहुत सारे लोगों के एक्सपर्ट होते हैं, तो आप देखेंगे सारे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में किसका चेकअप होता है, एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है, लेबर चेकअप होता है, आप जानते हैं ना कि ऑफिसर्स हैं। अब मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट ऑफिसर के चेयरमैन हमारे प्रोफेसर संदीप तिवारी साहब हैं, अब इनको तो उपचार के हैं नहीं, इस तरह की गुस्सा करने वाली आती है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है तो रात में डांट पटका लगाए पड़े हुए गुस्सा खा के वो आदमी बाहर जाता है, और बाहर जाके अपने लोगों से क्या कहता है क्या हो गया डांट पड़ गई, अरे क्या हो तो पूरे सब किस पे असर हुआ, वो टीवी की तरफ जला बैठा हुआ, उसके यहाँ घर से फोन आया, उसे गुस्से उल्टा पटका जवाब दे दिया, अब क्या हुआ एक दूसरी टीवी जल गई। तो इस तरह करते 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 अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अधिकारी लोग हैं उनके स्वास्थ्य का चेकअप आवश्यक हो गया क्योंकि वो बीमार रहते हैं, और जो काम करने वाला था जो रोड डांट खा रहा बैठा वो तंदुरुस्त मुंह खड़ा कर काम कर रहा था उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीख लिया कि इस गुस्से का कोई मतलब नहीं है, वो पेमेंट करते हैं उनका काम ठीक करेंगे, उसको नहीं करेंगे बाकी। इसलिए आपको जान के चलना चाहिए पहली बात कि ये गुस्से का रिलेशनशिप, मैं अभी आपको साइंटिफिक बात बताने जाऊँगा जिसका सबूत है लिटरेचर में है, गूगल पे है, पढ़ लीजिएगा गुस्सा करना। दूसरी चीज आदमी जो उससे हमारे डिप्रेशन में जाता है,
मान लीजिए मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं डिप्रेस होता जाऊँगा, मैं अपने को सेपरेट करता जाऊँगा। लॉन्ग टाइम डिप्रेशन, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम का टेंशन माइंड में आपके होगा कि प्रूव हो चुका आज की मुझे सर्व कर, इस पर भी प्रूव हो चुका। अब कैसे मैं कर रहा हूँ, हम लोगों के बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज़ कहलाती है क्रोमोसोम, पता नहीं आपको नहीं सुन सकता, उसमें जीन्स होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ जो हेल्दी जीन्स होते हैं और कैंसर कॉजिंग जीन्स भी होते हैं, और तरह के होते हैं, मैं आपको समझाने के बाद बता रहा हूँ। और ये स्टडी जो है इसके ऊपर बहुत सारी कंट्री में स्टडी की है, लेकिन ये स्टार्ट हुई जहाँ से वहाँ पर ये करीब कैंसर प्रोस्टेट के पेशेंट्स में हुई और पेशेंट्स में बाद में फॉलो स्टार्टिंग हुई थी कैंसर प्रोस्टेट के लिए। 30 लोगों पर यह स्टडी की गई, उनको केवल ट्रीटमेंट सब हुआ, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे थे वो करा गया। उसके बाद उनको एक चीज एडिशनल की गई कि उनको इस बात को सिखाया गया कि वो ग्रोथ नहीं करेंगे, उनको इस बात को सिखाया गया कि वो दुखी नहीं रहेंगे, उन्हें खुश होना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए मेडिटेशन करना सिखाया गया, योगा करना सिखाया गया, डाइट बेटर की गई, और उसके बाद जो कुछ सप्लीमेंटेशन दवाओं सिखाओ सब किया। कैन यू बिलीव इट कि उन लोगों को सरप्राइज हुआ 3 महीने की स्टडी के बाद कि उनके अंदर जीन्स में जो कैंसर के जो जीन्स थे उनको और जो हेल्थ के जीन्स थे उनमें एकदम रिवर्सल हो गया, और हेल्थ के जीन्स ऊपर आ गए, कैंसर के जीन मुड़ गए। उनमें एक चीज़ होती है जो डॉक्टर समझ सकते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, कि इनके अंदर जो बाइंडिंग होती है उसको बांधने वाली चीज़ कहते हैं टेलोमियर, और टेलोमियर की जो लंबाई होती है वो बचपन में ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वो कम होती है। कैंसर जहाँ पर डेवलप होने के चांस होते हैं वहाँ पर वो और कम होती है, इसलिए दोनों बिगड़ने लगते हैं, जीन बिगड़ने लगते हैं। होता क्या है कि इनको देखा गया कि इवन वो भी जिसने झाड़ू की सीख बांधी जाती है उस तरह टेलोमियर होता है, उसको ख़त्म करने डैमेज करने के लिए एंजाइम होता है टेलोमेरेज, वो एंजाइम का मात्रा इस तरह के पेशेंट्स में जो टेंशन में रहते हैं, जो अपनी बॉडी को ठीक से केयर नहीं करते, मोटापा डेवलप में रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो नहीं जानते कि वो एक किस चीज़ को जन्म लेने वाले। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना, जैसे कि डॉक्टर भट्ट ने बताया बहुत सही बात होनी चाहिए थी आपके सामने, शारीरिक अपनी उसके लिए करना बहुत जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें, उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि आपके पास अगर आप बड़े संपन्न हैं तो आपको काम करने वाले 10 आदमी बैठे हुए हैं वो 10 स्वस्थ रहेंगे, पर आप अगर पानी उठा के नीचे होकर बैठते तो आप बीमार हो। ये हमेशा हमें काम करना चाहिए, हर उम्र पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि ये उम्र में हम कुछ नहीं करना आपको बैठे रहेंगे आराम से, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, बेटर डाइजेस्ट खाना खाना और वो चीज़ बांटना जिसकी आपको ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है आप सब लोगों को, चाहे वो पेशेंट्स हों, चाहे अटेंडेंट हों, चाहे और लोग, सब किस चीज़ से ढूंढ रहे हैं, खुशी प्यार और इज्जत। हर किसी के माथे पर लिखा है जो दिखाई नहीं पड़ता कि मेरी मुझे इज्जत मिले, ठीक है, लेकिन जानते क्या है सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है कि हम उसको मंगों की तरह दूसरों समा रहे हैं। हम दूसरे से कहते हैं तुम हमें प्यार दो, वो उससे कहते हैं तुम हमें इज्जत दो, हम उससे मांगते हैं तुम हमें खुशी दो। फैक्ट ये है, आप करके देख लीजिए बैठ के, ये कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, ये देने वाली चीज़ है। आप दे के देखिए, आज आप यहाँ पर आए, जैसे कुछ लोगों ने इन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई अपनी और लोगों ने बताया, आप जैसे जैसे अपनी बातों को खोलेंगे दूसरों को आप एक उनके प्रोत्साहन के कारण बनेंगे, उनको ज़िंदगी में जीने का एक मेहनत हिम्मत देंगे आप बेफिक्र रहिए बैठ के, आपको दुआएँ भी देंगे और दुआएं किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मैं चाहूँ कि मैं किसी से ये चाहूँ कि मुझसे पैसे ले लो, मुझे दुआएं दे दो, वो दुआएं काम नहीं करेंगी, लेकिन दिल से उठती हुई दवाओं का वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है और आप ऐसा है। इसलिए क्या है कि आप आज इसको कर्तव्य मान के आए और आपने जो कुछ यहाँ शेयर किया खुल के शेयर करके, आप केवल ये मत कहिए कि हमारे बाल गायब हो गए थे उसमें, आप बताइए मैंने उसको कैसे लड़ा, मैंने क्या किया, इसका अरमानदार क्या किया, अपनी उस चीज़ को कैसे फाइट आउट किया ताकि दूसरा जो इलाज कराने वाला है उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है हुआ था, और आज आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि आज मेरे बाल जो थे उससे बेहतर कम नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इंदिरा गांधी कहते थे स्कूल में, तो इंदिरा गांधी लग रही हो एकदम, जब ऐसे ब्रेक कर रही है वो और अच्छे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल तो किसी अच्छे इंसान का दिया ना, पर नहीं दिया, तो इसलिए क्या है कि अब ये बात अगर पेशेंट्स को मालूम पड़ेगी जिनके कीमोथेरेपी से कुछ लोगों के बाल नहीं चले जाते हैं वो लौट आते हैं वापस, और उसका उदाहरण आप सामने है। तो इसलिए डॉक्टर आनंद मिश्रा साहब और पूजा और
उस पुनर्जन का जो एक सपना है उसमें मानवता की सेवा करने के लिए आप आए हैं। और मेरी बस संदेश आपको केवल ये रहेगा कि खाने पे तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि मन में खुश होना, चीज टेंशन से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय बीमारी के। आपको ब्लड प्रेशर हो तो ऑर्डिनरी ही बातें हैं, हार्ट डिजीज भी बड़ी कॉमन चीज़ें हो गई हैं, और उसके बाद अगर कोई नशा करते हों जो कि आप हमें बताया भैया टोबैको है और ये चीज़ें इस तरह की हैं, उनको तुरंत छोड़िए, एक अच्छे जीवन को जीवन। और ये बता दें कि बिना लड़े हुए बीमारी से आप जीत नहीं सकते, चाहे हम लोग कितना भी इलाज करें, कुछ भी करते रहें। इसलिए मुझे वो भी लाइन याद आती है समय कि जिंदगी भीख में नहीं गिनती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, वो अपना हक इस संग दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर झुकाओ तो कोई बात आता। थैंक यू। जिंदा करेंगे। फिर हमारे नंदोई हैं, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ मेडिकल कॉलेज आओ।
तो हम लोग मिश्रा सर के पास आए थे, मनीष सर ने मेरा पहला बायोप्सी किया था, वो बड़ा सा इंजेक्शन मंगाया, गन मंगाई थी, हम डर गए थे, लेकिन सर ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बहुत मतलब पता ही नहीं चला मेरी बायोप्सी का हो गया था। फिर उसके बाद मेरा कीमो कोर्ट पढ़ना था, तो कीमो कोर्ट 18 मई को पढ़ा था लास्ट ईयर, तो 18 मई को हमको कुलरंजन सर ने कहा भी तुम आ जाना, लेकिन हम पता नहीं क्यों करते करते हम लोग PGI के पास में रहते हैं वृंदावन कॉलोनी में, वहाँ से आते थे तो देर लग गई हमको, फिर उन्होंने कहा तुम बस 2 मिनट और नहीं आती तो हम तुम्हारा ना करते, लेकिन सर हमको लेके ना 3 लोग हम थे, सर ने मेरा कीमो कोर्ट डाला कुलरंजन सर ने, पता ही नहीं चला मेरे को, फिर हमको बेड पे लगे आए, फिर हमको सर ने कहा तुम पेशेंट कहाँ हो, तुम उठ के बैठो, तुम लेट ही क्यों हो, जबकि उसके पहले सब लोग जो मेरे से मिलने आ रहे थे कह रहे अरे तुम्हारे हमने कहा मेरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम उठ के बैठो, चलो घूम उठ के बैठो, बैठ पे थोड़ी होगी। पेटीएम को मैं उसी दिन मालूम पड़ा आनंद सर की मदर एक्सपायर की गई थी लास्ट ईयर, फिर 19 मई को शशि सर आए, उन्होंने मेरे कीमो दी थी बटरफ्लाई कोर्स से, तो हमने कहा सर ना सर एनेस्थीसिया दे दीजिए मुझे बहुत डर लगता है, कहते तुम इतना बड़ा कीमो कोर्ट डलवा के आ रही हो तुम डरने को कह रही हो, नहीं कुछ नहीं होगा तुम चुपचाप, फिर मेरे 6 कीमो पता नहीं कैसे इतने अच्छे से, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, हम किसी को नहीं आते, लेकिन सबने मेरी बहुत हेल्प की है, कीमो होने पर मेरे इतने अच्छे बाल आए हैं, इवन मेरे डायरेक्टर सर, मेरे ऑफिस के लोग, मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे खाना बनाने को ही नहीं होता था, मेरे ससुर भी उसी बीच में एक्सपायर किए थे, हमारे साथ में रहते थे उसी पीरियड में, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, मेरे यहाँ के लोग ने तो मोरल बूस्टअप करते रहे कि नहीं कुछ नहीं है, एक वर्मा थे वो हमको BP लेने आए थे मेरे को, पतले से दुबले से हैं वो कहा कुछ नहीं है तुम्हें, सब कुछ नहीं है, सब आप अच्छे से होके यहाँ से जाओगे, सच में आज मैं बहुत मतलब मेरे ऑफिस में भी बहुत मतलब मेरी जैसे कहते यहाँ सुबह के समय ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को डिनर, सब लोग कहते नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हमने कहा नहीं आप आके एक बार हॉस्पिटल तो देखो कितना साफ सुथरा, मेरा टाइम पता नहीं कौन है पता नहीं कहाँ चला गया, आज मैं आप सब की वजह से मिश्रा सर, आनंद सर, रमा मैडम और शशि सर और वो केलर टेलर वाली सर और ठीक वाली मैडम ये मीरा मैडम तो रोज मुझे व्हाट्सएप करके गुड मॉर्निंग और इतने अच्छे अच्छे मैसेज देती हैं कि मेरा बूस्टअप मतलब मेरी लाइफ, संदीप हमेशा हेल्प किया संदीप ने मेरे को, और मी कौन थी एक और राधियाना, मेरे को कई लोग भूल गए इसमें, सबको सबको देख के मैं भूल गई हूँ, लेकिन सबका मैं खुश वो करती हूँ कि मैं सबके वैसे जी गई बिल्कुल जी गई, यार मैं बहुत खुश हूँ सच में बहुत। हमारे लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अरे 6 मंथ लेकर हम यहाँ खड़े थे, इन्हीं के साथ हमारा आना जाना था, मम्मी पापा हैं यहाँ लेकिन पापा उस समय टाइम नहीं मिलता था, जॉब में है तो मतलब बहुत सपोर्ट सर, मतलब क्या कोई शब्द नहीं है इनके लिए हमारे पास। पहले तो आनंद मिश्रा सर, अपना नाम बता दो, जगह बता दो, रंजन सर और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे जब पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी है और मैं जब यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मुझे लेके आए यहाँ पे दिखाया, तो मैं एकदम निराश हो गई थी अपनी ज़िंदगी से कि अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरी एक रिलेशन भी थी उनको भी यही हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई मैंने आनंद मिश्रा को सुधार दिखाया तो इन्होंने मुझे इतनी तसल्ली दी, और उनके जो भी वहाँ पे डॉक्टर रहते थे मैं उनके नाम नहीं जानती हूँ, जो भी स्टाफ था वहाँ उस सब ने मुझे इतनी तसल्ली दी कि मुझे मेरे दिल को ये वो हुआ कि हाँ अब मैं मेरी इलाज हो सकता है, और डॉक्टर ने यही कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपका इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम आपकी कीमोथेरेपी करेंगे, आप ठीक हो जाइए, और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे बच्चों ने सब ने, और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो रंजन सर ने किया, बहुत एकदम सही है एकदम, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, फिर मेरी कीमोथेरेपी भी हो गई, फिर मेरी सिकाई भी हो गई, और आज मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, मेरे बाल चले गए तो मेरे बाल भी आ गए,
सब मुझे यही कहते हैं कि आपके पास वजह से बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं जरा अपने इलाज के दौरान एक बहुत हृदय स्पर्शी संस्मरण आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि इनको कुछ सोडियम और कैल्शियम कुछ डिसबैलेंस हो गया था, तो ट्रामा शिफ्ट कर दिया गया था। मैं बहुत फेंट भी हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तो जब वहाँ शिफ्ट किया गया तो हमें बहुत आता था क्या हो, पता नहीं जिंदा रही नहीं रहेंगी। लेकिन फिर मैं वहीं बैठा हुआ था रात 1 बजे के आसपास। मैं पुरंदर सर का बहुत आभारी हूँ कि वहाँ पर राउंड पे आए थे और मैं बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ मेरे पीठ पे समझ सकता अरे तुम्हारी परेशान ना होइए, आपको फिर वहाँ बुला दी। वो मुझे याद आ रहा आप लोग कितना आप लोगों का एक तरह से आपकी जब मुझे पता चला कि मतलब मुझे पता चल गया था छुड़के की लंप है यहाँ पे गांठ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैंसर बन जाएगी। हमने 1 महीने थोड़ा डिले कर दिया, हम अपने मायके चले गए, फिर यहाँ आए तो हमने सर्जरी डिपार्टमेंट दिखाया नीचे, तो उन्होंने बायोप्सी के लिए लिख दिया। FNAC में डाउट हुआ तो हमने बायोप्सी कराई, तो फिर वहाँ जहाँ हमने बायोप्सी कराई उन्होंने बोला कि आप उन्होंने बोला कि PGI चले जाइए आप सर्जरी डिपार्टमेंट में, वहाँ ऑपरेट कराइए। तो फिर जहाँ बायोप्सी कराई तो उन्होंने बोला कि आप PGI मत जाइए, यही बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है एंडोक्राइनोलॉजी आप। फिर धन सिंह भाई साहब हमारे, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब के पास जाइए आप, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनसे ऑपरेट कराइए। फिर हम आए तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाई रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा 8 कीमो, तो हमें पता था कीमो में बाल सब निकल जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा स्टाफ था यहाँ पे, आने से कोई परेशानी नहीं है हमको, बीमारी एकदम ठीक हो गई हमारी, हम गाड़ी भी चला लेते हैं, स्कूटी सब काम कर लेते हैं। और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, एक हमारी जिठानी आ रखी है यहाँ पे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको, हमारे साथ। मैं एक सर्विस मैन हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ। हमारी वाइफ को जो हुआ था 2017 करीब जनवरी में हमको पता चला कि गांठ हो गई है। होम्योपैथिक में जो है एक आध महीना उसका नॉर्मल कराया, फिर जाँच कराया उसने, फिर मैंने कमान हॉस्पिटल में उसके थ्रू गया वहाँ पर, वहाँ ये किया तो इधर आज एक तो मेरा इधर राइट साइड में काम था, तो वो देखा फिर डॉक्टर उनको उसी के लिए गए थे, लेकिन जब लेफ्ट साइड बोले लेफ्ट साइड एक छोटा छोटा सा दाना जैसा है, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर देखे बोले ठीक है इसका भी देखता हूँ, तो लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं चला। लेकिन जो रिपोर्ट आया तो उसमें डाउट ना हुआ था, हुआ सब नॉर्मल है। करते करते सारा सब फिर मैंने चेकअप करा लिया, जितना का प्रोसीजर है एक्सरे वगैरह सब कमांड में सब करवा चुके, तो लास्ट में ये निकला बीच में थोड़ा सा है, क्योंकि हमारे पहले एक मेजर साहब थे 2000 में, उनकी वाइफ को ये था और वो एक्सपायर, और उसी समय ये जनवरी में इनको निकला था, दिसंबर में इनके छोटे भाई का कैंसर निकला था, वो लेट कर दिए थे टाटा में बोली लेके गए थे, उसके बाद ये 70 में ही अगस्त आखिर टेस्ट कर, तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए। और यहाँ पर मेरी सिस्टर है, हमारे खास चाचा के लड़की है डॉक्टर नीतू सिंह रिसर्च विभाग, फिर मैंने फिर बताया कि आप एक सर्विस मैन हैं, कमान में नहीं होगा लेकिन कमान के अंदर में जो हॉस्पिटल होंगे जैसे कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ, ये लखनऊ में प्राइवेट है PGI है, तो अब इसका प्रोसीजर तो ज़्यादा लग हम कर गए कि भाई ये तो कैंसर का मामला है, क्योंकि उसका हो चुका था केस हमारा, वो साले साहब भी हुए तो मैं लेट होगी तो ये ये हो जाएगा, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फिर मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, क्योंकि उनसे हमेशा ने बात किया कि जब कमांड है ही है तो क्या हेल्प लेना, तो जब ये हुआ तब जो है उनसे मैं बात किया, शाम को बात किया, सवेरे में मैनेजमेंट से जो है उन्होंने फ़ोन की, जो भी बात की हूँ उन्होंने बड़ा माजा वाजी जो है हमको चेकअप सारा रिपोर्ट ले गए थे, मैम ने रिपोर्ट भी देखा और भी यहाँ से करवाया हो रहा और एडमिट कर दिया। और उसके बाद जो है क्योंकि लेफ्ट साइड में छोटा था राइट साइड वाल में गांठ तो था लेकिन कैंसर नहीं था, तो मैंने कहा कि ये आज नहीं कल हो जाएगा, तब उनको एडमिट करके मैं दोनों साइड का रिमूव कर, वो आज के डेट में ठीक है। थोड़ी सी समय अभी अभी आया था मैडम से, तो
कैल्शियम की कमी हो गई है उसकी इलाज। उसके बाद कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब हुआ, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन
दिक्कतें भी आई, मम्मी ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, कभी कभी उनको मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी हम लोगों ने दिया, और अंत में आज की डेट में मैं इनकी माँ हूँ। अगर ये कर सकती हैं, ये सब कर सकते हैं, तो कोई भी इस बीमारी से लड़ सकता है। इसलिए सबको ही किसी भी तरीके की गलतफहमी से हट करके कि एपेंडिसिटिस करा लेंगे या बायोप्सी करा लेंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको खुल करके सामने आकर के बाकायदा उसका सही से इलाज कराना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर हमने एपेंडिसिटिस करा ली तो हमें हो जाएगा कैंसर, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है। और सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी जो भी ये देख रहा है या देखेगा कि आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी सही नहीं हो सकती है, सही हो सकती है। ये आपके सामने जिंदा सब बैठे हैं और खुश हैं। दो चीज़ें, एक तो जो मैंने साहब सबसे बात की थी कि आप सब ने कुछ कुछ बातें बताई, घर पे जाके इसको गलत लो, कागज लो, अपने बेटे से लिखो और खुद लिखो, मुझे आप सब की स्टोरी में क्या उतार चढ़ाव आए, कहाँ ड्रामा आया, कहाँ ट्रेजेडी हुआ, ये सारी स्टोरी सब की चाहिए। वादा करते हैं सब लोग मुझे अगली मीटिंग में अपनी स्टोरी देंगे, उसमें बच्चे परिवार जिसका भी जो चीज़ है जो उसने कहा। दूसरी चीज़ ये कि अगली आप में से कौन वॉलंटियर करेगा, जो कि ग्रुप बनाने के लिए, ग्रुप को लिंक करने के लिए ग्रुप हम बनवा देंगे, हमारे पास सबका डाटा आ गया है, ठीक है। तो एक हम फेसबुक पे ग्रुप बनवा देंगे जो जिसका नाम होगा लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप, और एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप सब अपना अपना परिचय डालिएगा पहले है। उस ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग, कोई चुटकुला, कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है कि हम इस बीमारी से लड़ना अभी, ठीक है। तो वो जो ग्रुप होगा उसमें जो भी डालेगा वो उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। आप ही लोग उसमें एडमिन रहोगे, आपकी जिम्मेदारी है तो उस ग्रुप से उसको बाहर करो, उसको डांट लगाओ, जो बड़े लोग मेंबर्स हैं उसमें केवल इसी के क्या नया मरीज मिला उसको सपोर्ट करना, उसकी चीज़ें शेयर करना, अपनी चीज़ें शेयर करना, और ठीक। और जो आपके संबंध आपस में बने हैं, तो आपकी जैसे आपका नंबर आपको कोई चीज़ बात करनी है, चुटकुले भेजने हैं, गुड मॉर्निंग भेजना है, तो आप डायरेक्ट भेजो, ग्रुप में कुछ नहीं ऐसा होगा, ग्रुप केवल इसीलिए बनेगा, एक्टिविटी के लिए बनेगा। अगली मीटिंग हम मेरे दिमाग में 3 महीने बाद हम रखेंगे, किसी शनिवार को हम लोग निश्चित कर रहे हैं उसी ग्रुप में बात करेंगे, सेकंड शनिवार रखेंगे, उसमें कर लेंगे। आप कुछ बोलना है? उन्होंने हमें सलाह दी कि आप मेडिकल कॉलेज जाइएगा, वही पे आपका अच्छा सा इलाज होगा। और मैंने पहले डॉक्टर आनंद मिश्रा को उन्हें दिखाया, फिर उन्होंने हमको पूजा सर के पास भेजा, उन्हीं के द्वारा सारा का हमारा आज सब कुछ सही है। और मेरा कीमोथेरेपी हो रहा था, कीमोथेरेपी खत्म हो गया, अब हमारा जो है मेरी कीमो वाली दवाई चल रही है। इस समय हमको जो है थोड़ा सा कष्ट हो रहा, मेरे पेट में हल्की सी दर्द होती है, तो चलो अभी देख लें ये वाली समस्या का निदान करनी। आप सभी करी बैठे जी, ये हमारे कॉलोनी के नीचे निर्देशन से मैंने अपना इलाज शुरू किया है। अच्छा, दूसरी चीज की संदीप मेरे साथ हम लोग बहुत समय अभी अलग अलग हम लोग फिर अलग अलग विभाग में अलग अलग जिम्मेदारियों पे आ गए साथ काम के। संदीप को 2 मिनट बुलाऊंगा, क्या इस कंसेप्ट में तुम्हारे कोई और विचार हो, कोई चीज़ और हो तो तुम्हारे हम चीज़ें और वैसे तुम्हारी चीज़ें नहीं सुन पाए होगी। नहीं, ये एक बहुत अच्छा आप लोगों ने इनिशिएशन लिया है, और इसके लिए पूरा एंडोक्राइन सर्जरी विभाग, इंजीनियरिंग डॉक्टर अनुष्का पूजा, एंडोरंजन, ये लोग बधाई के पात्र हैं। हमने और अनंत मिश्रा साहब ने 5 साल तक एक साथ एक ही यूनिट में काम किया, बहुत ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हम लोगों ने साथ में ऑपरेट किए। उसके बाद मैं ट्रॉमा सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष बन गया, डॉक्टर इधर आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्योंकि एक दूसरे के मतलब छोटे भाई बड़े भाई की तरह हैं, तो इसलिए वो प्यार वो रिलेशन आज बना है और आजीवन बना भी रहेगा। बस आप लोगों से यही कहना है कि
मन में एक विश्वास जरूर रखें और धैर्य रखें। जो भी आप ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप बना रहे हैं उसमें इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इलाज थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है, 6 महीने साल भर का इलाज होता है, उसके बाद कुछ लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट 3 साल 5 साल तक दवाई खानी पड़ती है। तो धैर्य रखें और हौसला रखें जरूर। डॉक्टर अमरकांत हमारे गुरु हैं, डॉक्टर साहब के भी गुरु हैं, ये एक बात कहते थे कि विश्वास में विष का वास होता है, इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर पे आस्था रखें और आस्था को चटकने ना दें, क्योंकि आस्था चटकती है तो वो पत्थर की मूर्ति भगवान की जो होती है वो फिर से पत्थर बन जाती है और नदियाँ प्रवाहित कर जाती है। और जो मोहब्बत की बात डॉक्टर साहब ने कही थी कि प्यार, तो यही इन्हीं का शेर है, इन्हीं फिल्मों से सुना था कि गुल से लिपटी हुई तितली को छुड़ा कर देखो अन्य उन्होंने दरख्तों को उड़ाया होगा। मतलब प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे फूल से करती है, जब वो उसका रस चूस रही होती है तो उसमें कोई बड़ी से बड़ी आंधी भी उसको हटा नहीं सकती। और हौसला जरूर रखिए, रख हौसला सर, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, दरिया भी प्यासे के बाद खुश चलकर आएगा। दरिया भी हौसला रखें सब अच्छा होगा। और ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्यार बांटते चले और समाज के लिए जितना आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर भट्ट भी कह गए थे परिपत्र सिद्धांत भाई पर पीड़ा समय, जितना ज्यादा आप समाज के लिए करेंगे उतना ही भगवान आपको रिटर्न देंगे, ये निश्चित। धन्यवाद। साथ के सहभागी है इसमें मेरे सर्जरी डिपार्टमेंट में, ये भी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो इनका तुम्हारी भी उसमें आवश्यकता है सहयोग की, और तुम्हारे भी पेशेंट्स इसमें जुड़ेंगे, तुम्हारा कोई विचार हो तो मुझे बताओ। सब मैं आपको पूजा मैम को अभिनंदन, आप सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत ज़रूरत है एक्चुअली इस ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप की, क्योंकि हमने देखा है कि पेशेंट्स को अलग अलग तरह के मरीज हम लोग देखते हैं, कोई लोग कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही एकदम कलाप्स कर जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू होने के समय किसी को कीमो में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है और कोई कीमो को ऐसे झेल लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं आराम से। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है, कोई तो इतने आराम से बर्दाश्त कर लेता, कोई तो हर समय रोता ही रहता है, हर समय रोता है और हर समय परेशान है। तो हमने ये पाया कि एक्चुअली मेंटल पावर, आपके दिमाग में आपकी अंदर कितनी शक्ति है वो इस समय सामने आती है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। कई लोग शुरू से नेगेटिव होते हैं, हर चीज़ बुरी हो रही है, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। जब जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ट्रीटमेंट को नहीं बर्दाश्त कर पाते, और जो लोग अच्छा सोचते हैं कि जो भी हुआ शायद कोई बुरा काम मैंने किया था, कोई बुरे कर्मों की सज़ा मिल गई, कोई बात नहीं, पर अब मैं इसको ठीक ठाक इससे निकलूँगा और मैं निकल के दिखाऊँगा, जो इस एटीट्यूड से चलते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। पर आजकल इतनी नेगेटिविटी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत ही कम है, हम सब बहुत कम अच्छा सोच पाते हैं। तो इसमें ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल ग्रुप बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी भी किसी ने शेयर किया था कि हमने एक पेशेंट ने एक पेशेंट को सपोर्ट किया, और जिस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह से हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारा भी लिमिटेड आवर्स है, बिजी शेड्यूल है, हम लोग हर समय शायद आपके फ़ोन भी नहीं अटेंड कर सकते, हर समय आपसे शायद बात भी करें तो दो ही लाइन में बात करके ख़त्म कर देंगे फोन पे। पर जिस तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दो बार ट्रिक साइकिल हो गया तीनों का, तो हर एक को समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक एक दूसरे का सहारा बनिए और दूसरों को भी ऊपर उठाइए। तो मैं ग्रुप तो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग आज वॉलंटियर करो या 10 दिन बाद करो, करना तो आप ही को है, ये ग्रुप और ये सारी चीज़ सपोर्ट ग्रुप आपको चलाना है, हम लोग आपके साथ हैं, पीछे ये हमारा जो मैंने सारी चीज़ काम बताई ये काम आप ही कर सकते हो उसके बारे में, ठीक। तो आज कोई वॉलंटियर करेगा कि सोच के बताएगा, तो आप वॉलंटियर करेंगे बहुत बढ़िया, नाम नोट कर लो, ओके ठीक है। तो मैं ये दोनों ग्रुप में शुरुआत आपको करनी है, क्या कार्यक्रम करना है, क्या चीज़ें करनी है, और उस ग्रुप में पहले आप अपना अपना सब अपना किस एरिया से हैं, कहाँ से हैं, एक दूसरे को अपना परिचय करिए, ठीक है। हम केवल उसको मॉनिटर करेंगे ग्रुप को, उसमें आप लोग के ग्रुप में क्या चल रहा है, और हमारी जहाँ जरूरत होगी तो हमारे मेरे पूजा या जितने भी हम लोग हैं, हमारा फ़ोन नंबर सब चीज़ें हर समय उपलब्ध हैं, हर समय आप लोग जानते हो कि बेटी कैसे कहाँ पर, ठीक है।
ठीक है। तो ये तीन महीने का समय रखें, पहला तो जुलाई, आज मई हो रहा है, जून जुलाई, जुलाई के आखिरी में सर्वाइवर्स जो होते हैं, ये लोग को काम करने के लिए बहुत सी कंपनीज और जो वो है संस्थाएं ये भी पैसा देने को तैयार होती है। ठीक है, समय के साथ हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नहीं तो उन रिसोर्सेज की चिंता आप मत करिए, वो मेरी जिम्मेदारी है इस ग्रुप को चलाने को, जहाँ भी आपकी कोई एक्टिविटी होगी चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने इसको सोचा है। लेकिन काम करना है, इस जज्बे से आज यहाँ आपको जाना है कि इस बीमारी के बारे में लोगों की भ्रांतियाँ दूर करनी है। कम से कम 5 महीनाओं को हर एक को जिम्मेदारी देता हूँ, 3 महीने में आज से कैसे बचाव करता है, मैं हमेशा बात करता हूँ स्वयं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये बीड़ा लेके जाइए कि आप जब मुझे जुलाई में मिलेंगे तो आपने 5 महिलाओं को इस बीमारी के बारे में बताया। पेशेंट मिल गया तो ठीक है, ना महिलाओं को कि ब्रेस्ट के स्वास्थ्य के बारे में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप प्रैक्टिस करिए और अपना महिमा में एक बार स्ट्रेस ब्रेस्ट चेक करिए, ये मुझे रिपोर्ट आप देंगी तो लोग मैं जानूंगे, ठीक है। और जब आप जुलाई में मुझे मिलेंगे तो आप सबको, और वो स्टोरी ये नहीं कि बच्चे की तरह से बच्चों पहले तो 10 लाइन लिख के लिया मिले गए इलाज हुआ वो खत्म, मुझे 20-30 पन्नों में आपकी स्टोरी चाहिए, समझ गए, स्टोरी में अपने इमोशंस डालिए, उसमें वही मैंने मन से रखिए उसको, कौन सी पिक्चर होती है, कौन सी पिक्चर होती है जिसमें एक्शन भी हो, गुस्सा भी हो, ट्रेजेडी भी हो, लव भी हो, है सारी चीजें वही पिक्चर हिट होती है। सर मैंने अपने ऐसे इमोशंस लिखे थे अपने स्कूल के लिए आप लोग का ये जो प्रयास है अनुषा साहब का, पूजा का और कुलंजन का, इसको देख के मैं अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए डोनेट करता देखिए। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे काम के लिए आपको खूब लोग मिलेंगे, मेरा विश्वास है, ठीक है। पिछले साल मैंने मैराथन कराई थी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, किसी ने कहा कि मैं पूरी मैराथन कराऊंगा, ऐसे सोच लो आप, 7 अक्टूबर डेट रखी हुई है और 20 अगस्त को मुझे पता लगता कोई एक पैसे नहीं देगा, मतलब सब चीज़ों में काट छाट, ये वो कमाना चाह रहा था उससे, ये ब्रेस्ट कैंसर में तो लोग बहुत लोग आ जाएंगे पैसे कमाओ, मैंने ये चाय पी, आधे घंटे मीटिंग ली और हमने कहा कि यार आप आज से मेरे साथ नहीं है, आप कैसे करेंगे 1.5 महीना, मैंने कहा मैं करूँगा, मेरा दिमाग है, हम पैसे लगाएंगे, मेरी फैमिली लगाएगी, मैंने सोच रखा ये कुदरत भाई बैठे हुए हैं खूब समाज सेवा का कार्य करते हैं। एक दिन पहले मैं उसमें जरा सी छोटी सी घटना बताऊँगा, क्या मैराथन है, मैराथन मैंने 10.90 से कराई, 10.90 में तो इंजाम हो गया, 21 किलोमीटर का ट्रैक है, 21 किलोमीटर पर अगर किसी धावक को कोई चोट लग जाए, उनको पानी मिलना है, जगह जगह आदमी लगने हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े होने हैं, एक दिन पहले तक शाम तक मेरे पास कोई वॉलंटियर नहीं, जिस टेंट वाले से कहूँ कि पानी लगाना है वहाँ इतने दूर पर, वो कहे सर मेरी मेजकुर्सी चुरा ले जाएगा आदमी, जैसे आपकी रेस खत्म होगी तो मेजकुर्सी चुरा ले जाएगा, सर आप यहाँ पर 10.90 में जितनी लगा दूँ मैं, मेरी वहाँ चोरी हो जाएगी, मत लगाओ, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, मैंने कहा मैं मेजकुर्सी का भी पैसा देने को तैयार हूँ। कल मेरी रेस सुबह 7 बजे, शाम 1-2 दिन पहले से हफ्ते भर से मुलाकात थी कि हम कर लेंगे वॉलंटियर दे देंगे, शाम को 5 बजे अचानक ऐसा सिनेरियो चेंज होता है, वो भाई जी बैठे हुए हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने किससे बात कर रहे हैं, बोले फला से बात कर रहे हैं, और आधे 20 मिनट में मेरी सारी समस्या सॉल्व हो गई 21 किलोमीटर, क्योंकि सारी समस्या क्या थी, अगर रेस होती और रेस में एक मेरे प्लेयर को चोट लग जाती, आप मुझे बताओ अगले दिन हेडलाइन क्या होती, मैराथन कराई और प्लेयर इंजर्ड, ब्रेस्ट कैंसर का मैसेज तो कहीं और चला गया जो स्तन कैंसर अवेयरनेस के लिए मैसेज था। तो आप अगर किसी रास्ते पर पढ़ते हो तो आपको उसी सोच के लोग, उसी फ्रिक्वेंसी के लोग मिलेंगे जो आपके पीछे आएंगे, उनको मालूम तो पड़े, बहुत से लोग इस शहर में होंगे जो चाहते होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, उनको आज नहीं पता है, वो हमारे पेशेंट नहीं रहेगा, दूसरे अस्पताल के रहे, उनके अंदर जज्बा है वो काम करने, वो आपसे जुड़ेंगे, इसीलिए इसको सपोर्ट ग्रुप नाम दिया मैंने, सर्वाइवर ग्रुप नाम नहीं दिया, इसमें सपोर्ट में उनका भाई इसीलिए आए हैं, ये बोले कल इनसे बात, इन्होंने कहा मैं जुड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ें करूँगा, तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ आए समाज के जो करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिजीज ऐसी किसका कारण नहीं मालूम, आप सब जानते हो,
5% जेनेटिक है, जेनेटिक की बात होती है, प्योर 5% जेनेटिक है, 95% कारण नहीं मालूम। जब कारण नहीं मालूम तो वैक्सीन नहीं बन सकती, हम रोक नहीं सकते। तो रोक नहीं सकते तो कम से कम पहले पता लगाएं, प्रॉपर इलाज हो। इस कार्यक्रम को हम खूब देर चलाते हैं, बहुत आप लोग से आनंद आ रहा है। एक हमारे कल प्रोफेसर साहब का देहांत हो गया, शिखर कंजन साहब थे, वो वर्किंग कार्डियो कर्सिक इसके हार्ट के बाद के प्रोफेसर थे, उनकी 2 बजे कंडोलेंस है भाई शांसा साहब के हैं। तो हम सभी शिक्षकों को वहाँ 2 बजे पहुँचना है। इसके कार्यक्रम के आगे क्या है कि लोग हैं वो आपको लिस्ट के हिसाब से आपके साथ जितने लोग आए यहीं बैठेंगे, क्योंकि बाहर जगह कम है तो फिर थोड़ी वो होगी, तो उसमें थोड़ा सा करिएगा। हम वहाँ पर भाई शांस क्योंकि हमारे टीचर थे, वो हमारे गुरु थे और वो वर्किंग थे, वो कंडोलेंस है, वो अफिशियल चीज़ है, वैसे भी जाना हमारे टीचर थे। हाँ 2 मिनट अगर तुम बोलना चाहो हमारे सम्मान में, इसलिए वो है कि किसी को 24 घंटे कोई जरूरत पड़ती है उसके लिए पहुंचती है, चाहे वो ब्लड की जरूरत है तो वो टीम लगता है, ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ब्लड ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप में पहले हम लोग सिंगल सिंगल करते थे कि भाई तुम्हें फोन किया, तुम्हें फोन किया, तो लोग पहुंच नहीं पाते थे, कोई ऑफिस में कोई क्या है। जब से मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है आज की डेट में ये है कि डेली मेरे पास ब्लड का मैसेज ग्रुप में आता है और उसी ग्रुप में लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता फोन के लिए कि नहीं आप चले जाओ। और ऐसा ही हुआ है कि आज पूरे शहर में टीम लखनऊ ब्लड के लिए हर जगह से फोन आता है कि 5 मिनट चाहिए कोई, तो मैं कहता हूँ कि जिसे जरूरत है वो इंसान पहुंच जाता। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि आज इंसान के अंदर इंसानियत पैदा हो रही है। क्यों पैदा हो रही है कि जब मैं केरल गया था, जब केरल आपदा बाढ़ आई थी तो मैंने उस टाइम टीम लखनऊ बनाया था, और मुझे याद है कि बकरीद से 2 दिन पहले मेरी टीम लखनऊ की थी, मैं भी एक आम तरह काम करता था, तो मैंने कहा कि मैं त्योहार बाद में मनाऊंगा, पहले मैं केरल के लिए करूंगा। तो मैंने कहा कुर्बानी कराते हो आप ये 2 तो आप एक कराइए केरल के लिए निकालिए। तो मैंने छोटे छोटे गोलक हर मस्जिदों में बकरीद की नमाज में रखवा दिए थे कि जो दीजिए केरल के लिए दीजिए। तो लोगों ने कुछ दिया कुछ दिया, तो मेरे पास उस दिन बकरीद के दिन आया था 35,000 रुपीज आया था। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा केरल टीम लेके जाऊंगा। तो ऊपर में शुक्र है कि मैंने पूरे लखनऊ में, मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सामान चाहिए केरल के लिए और मैं खुद उस बाढ़ में जाऊंगा। तो जब मैं पूरा सामान लेना चल गया तो मेरे पास 23 टन सामान पूरे शहर ने दिया था, 23 टन सामान एक बोगी ना, मेरे पास हिम्मत ही थी ना, मैं खुद कर सकता था कितना सामान, 23 टन सामान दिया। और मैं केरल जब पहुंचा तो पूरा पानी चारों तरफ पानी पानी था। तो मुझे ये मैं कभी आज तक हम लोग ने काम भी नहीं किया, अमित जी सरदार जी मेरे पार्टनर है, हम लोग दोनों आदमी सबसे पहले पहुंचे थे केरल में। तो जब देखा पानी पानी तो हमने कहा हमें सपोर्ट, तो ऊपर हमें शुक्र है कि एक लैंग्वेज सब्सिडी प्रॉब्लम हमारे लिए हो रही थी कि हम बात हिंदी कर रहे थे वो न समझ पा रहे थे। फिर एक हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमने कहा कि हमें हिंदी वाले चाहिए कि जो हिंदी बोल रहे हैं और हमें समझा दे। उस ग्रुप में लोग हिंदी जो वहाँ बोल रहे थे तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर मुझे अलप्पी में काम करने मिला और मैंने उसमें काम कर, जब मैंने केरल में रहा था बाढ़ में, तो हम लोग को ये मालूम था जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। जब मैं देख रहा था कि एक एक इंसान पानी के लिए तरस रहा था, वो दूर से करोड़पति अरबपति है और वो 2 मंजिल मकान में खड़ा है और पानी हम लोग लेके बोर्ड में जाते थे छोटी नाव में, तो पानी तरसता था और वो पानी वो 2 दिन चलाता था। हम आज पानी की केयर नहीं करते, आज हमारे पानी है और वो खाना पानी के लिए 2 दिन। और जैसे उसके पास थोड़ा सा हम लोग पैकेट दे देते, पैकेट बनाया था मैंने 40,000 परिवार का, तो पैकेट देते तो कहते नहीं मुझे ये जरूरत नहीं है, मेरे पास ये है, आप मेरे दूसरे भाई के लिए। ये इंसानियत मैंने वहां पे देखा, सीखा उससे ऐसी हम इंसानियत आज पैदा करना है। और जब से मैं कंटिन्यू 24 घंटा अपना 18 घंटे लोगों को खिदमत देता हूँ और इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, डॉक्टर साहब से जब से मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ तो रियल बता रहा हूँ कि मैं कोई मरीज ऐसे ऐसे मरीज आते हैं मेरे पास कि भाई फोन कि चल गया आप मेडिकल कॉलेज में, जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब अब उनके ऑपरेशन भी होना है कुछ होना है, तो मैं डॉक्टर साहब सलाह लेता हूँ इसके पैसा नहीं, पैसा तो हम कर लेंगे, आप इतनी मदद करिए कि इनका ऑपरेशन हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इंसान इंसानियत पैदा, कुछ नहीं, ना जात ना पात ना धर्म ना काला ना कोई, सिर्फ इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं बन गया। मैं तो कह कुदरत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, कभी और डिटेल में इनके बारे में बताएंगे कि बहुत खूबियां है, ये तो बहुत कम चीजें बताई, आप भी अपनी चीजें जो वो बड़े लोग होते थे रमाकांत साहब है इनकी खूबियां नहीं बता सकता हम लोग, इसी कारण हम और संदीप यहाँ खड़े हैं। ठीक है,
तो बड़े लोग अपनी खूबियाँ नहीं बताते हैं, नेता लोग अपनी खूबियाँ बताते हैं, 5 साल में ये इसी के कार्यक्रम के साथ मैं समापन हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि जल्दी है, कुलंजन को मैं बुलाता हूँ, तो ये वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे। गुड आफ्टरनून, मैं कृपया सर के विभाग की तरफ से आप सभी सम्मानित नागरिकों को, आप लोगों को पेशेंट बुलाना पहले भी अनुचित मैं समझता था ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद भी, बस मिसेज रीता चतुर्वेदी जी के मैं कमेंट बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ कोई तुम नहीं बोलते हैं, बार बार उनके उसमें आ रहा था कि तुम, तो हम लोग आपका ही शब्द करते हैं, तो आप सभी सम्मानित नागरिकों को और उनके साथ जो अटेंडेंस आए हैं आपका आभार और डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ आए और इसको सफल बनाए, और विभाग की तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आनंद मिश्रा सर और पूजा मैम का जो ये पहल है और विभाग का जिसमें पूरा योगदान है ये सफल हो, और एज ए विभाग या एज ए मेडिकल कॉलेज हम और लोगों की सेवा कर पाए। हमारे विभाग की तरफ से हम सिटीजन न्यूज सर्विस का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो पहले भी और आज भी हमारे इस कार्यक्रम को और लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे, और हमारे बीच कमाकांत सर जो हमारे आनंद मिश्रा सर भी हमारे कंसल्टेंट रहे हैं, संदीप तिवारी सर भी रहे हैं, और सर उनके भी कंसल्टेंट रहे हैं या प्रोफेसर रहे हैं, तो इसका इसकी बात की अहमियत आप लोग समझ ही सकते हैं, उनका और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज भी समय समय पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आगे आ जाते हैं, और आज भी बिना मांग किए आपने देखा तुरंत उन्होंने अपना पैसे के तौर पे भी ग्रुप का सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए, उनके लिए एक बार फिर धन्यवाद। और आनंद मिश्रा सर के साथ मैम भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं मैराथन में भी, और आज भी देखें कि आज एकदम समय से पूरा जुटी हुई हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संदीप तिवारी सर, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर यादवेन, डॉक्टर अनिता, ये लोग दूसरे विभाग के भी रह के हमारे विभाग को हमेशा सपोर्ट किया है और आज इस कार्यक्रम में भी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बारे में सर हमने पहले सर से सुना था लेकिन आज आपसे मुलाकात भी हुई इस कार्यक्रम में, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ साथ आप जुड़े रहें हमारे उसके साथ, और इस पूरे सपोर्ट ग्रुप तो आज बन गया लेकिन सपोर्ट ग्रुप के पीछे जिन मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ है उसके पीछे हम लोग तो सिर्फ आगे एक तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं लोग, लेकिन जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर शशि, डॉक्टर श्रेयंस, डॉक्टर लोरेनो सुरभी, डॉक्टर अरविंद का भी नाम लिया गया था, डॉक्टर मनीष जो अभी हैं, ये पूरा विभाग उनके और जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं जैसे वार्ड में नर्सेज, ओटी में हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, टेक्नीशियन हैं, सफाई वाले लोग हैं, वार्ड अटेंडेंट्स हैं, उन सबके मेहनत से ही आज ये पूरा इलाज सफल हो पाया है, और आप आज यहाँ पे हैं और सर और मैडम की पहल से ये ग्रुप बन पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबका योगदान है, मैं सबका आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट ग्रुप हमारा और तरक्की करे और बढ़ता जाए। और मैं पर्सनल तौर पे एक बात और करना चाहूँगा कि ऐसे तो ओपीडी में हम लोग गिने चुने लोग देखते हैं, एक दिन 10 खराब मरीज, एक अच्छा, तो पता नहीं चलता है कि एक्चुअली ओवर द ईयर्स कितने लोग एक्चुअली इस ट्रीटमेंट से सफल हो पाया है और खुश हैं। आज सबको एक साथ देख के मैं भी प्रसन्न पर्सनल तौर पे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच। सभी लोग यही बैठे रहिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ये अखिलेश जी आपके पास बैग और स्नैक्स पैकेट सब देंगे क्योंकि हम लोग को जाना है अभी।